हेलो गाइज वेलकम बैक टू अनोदर एक्साइटिंग वीडियो गाइज इन दिस वीडियो टू रिव्यू अकुआ मैन एन द लॉस्ट किंगडम मूवी तो ये मूवी कौन सर कहाँ पे आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानिए पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो अक्वा एंड द लॉस्ट किंगडम दो हजार तेईस की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो डीसी चरित्र अकुआ पर आधारित है डीसी स्टूडियोज एंटामिक मास्टर्स और सफरॉन कंपनी द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह अकुआमैन दो की अगली कड़ी है और डी यूनिवर्स में पंद्रहवीं फिल्म और अंतिम किस्त है। फिल्म का निर्देशन डेविड मैग लेस्लोल्ड की पटकथा से जेम्स वान ने किया था और जेसन मोमो आने आर्थर करीब एक्वामैन की भूमिका निभाई थी साथ में पैट्रिक विल्सन एम्बरहार्ड या अब्दुल मतीन रॉडेल पार्क डॉल्फ लूट टेमुएरा मारिसन मार्टिन थे फिल्म में आर्थर को अपने सौतेले भाई आम विल्सन के साथ मिलकर ब्लैक मंटा को अपने परिवार को मारने से रोकने और समुद्र को के खोए हुए सातवें साम्राज्य की खोज करते समय दुनिया को गर्म करने के लिए शापित ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करने से रोकने के लिए काम करना होगा ममोवा ने पहले फिल्म के निर्माण के दौरान एक्वामैन सीक्वल के लिए एक कहानी पेश की वन सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे लेकिन जनवरी 2019 में विकास की देखरेख के लिए सहमत हुए जॉनसन मैक ने एक महीने बाद पथखथा लेखन के लिए रूप में वापसी के लिए हस्ताक्षर किए और वान के अगस्त 2020 में निर्देशक के रूप में लौटने की पुष्टि की गई उन्होंने कहा कि फिल्म एक्वामैन के विश्व निर्माण पर विस्तार करेगी और जून 2021 में अगली कड़ी के शीर्षक की घोषणा की फिल्मांकन शुरू हुआ महीने के अंत में और जनवरी के 2022 में यूनाइटेड किंगडम हवाई लॉन्स एंजिल लॉस एंजल्स और न्यूजर्सी में न्यूजीलैंड में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ समाप्त हुआ 205 से 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच उत्पादन बजट के साथ यह अब तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक है अकुआ मैन एंड द लॉस्ट किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को ग्रो लॉस एंजलिस में एक प्रशंसक कार्यक्रम में हुआ और 22 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में तीन मिलियन डॉलर की कमाई की है अकुआ मैन एंड द लॉस किंगडम का प्रीमियर उन्नीस दिसंबर दो को लॉस एंजलिस के ग्रो एट फार्मर्स मार्केट में एक फैन इवेंट स्क्रीनिंग में हुआ द हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस कीट ने रेड कारपेट इवेंट और आफ्टर पार्टी नहीं करने के लिए यह नोट किया था जिसमें वान और मोमोआ ने ब्लू कारपेट प्रोटोकॉल और छोटे पैमाने के प्रशंसक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के बाद भाग लिया था लंदन बेजिंग और लॉस एंजलिस फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दि, दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों के अलावा आई मैक्स और फोर में इसे मूल रूप से सोलह दिसंबर दो को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन इसे 17 मार्च दो को स्थगित कर दिया गया जब वार्नर ब्रदर्स ने दृश्य प्रभाव विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया इसके बाद इसे पच्चीस दिसंबर दो हजार जाया गया, जब वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी मार्केटिंग और वितरण लागत को फैलाने की कोशिश कर रही है थी। 20 को आगे बढ़ने से पहले और फिर इसे दो दिन आगे बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया 7 जनवरी 2024 तक एक्वा मैन एंड द लॉस किंगडम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 100 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में दो मिलियन डॉलर यानी दुनिया भर में कुल तीन मिलियन डॉलर की कमाई की है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक्वैन एंड द लॉस्ट किंगडम को आइग्रेशन माइग्रेशन एनी बॉट बॉट यू और द वायरल कलाम के साथ रिलीज किया गया था और इसके चार दिवसीय शुरुआती सप्ताह में लगभग 40 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था फिल्म ने अपने पहले दिन थ्री थर्टीन पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर कमाए जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से फोर पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर भी शामिल थे इसने सत्ताईस पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का पारंपरिक शुरुआत के सप्ताह हासिल किया जो डी का चौथा सबसे कम और उन फिल्मों में दूसरा सबसे कम था जो कोविड नाइन्टीन महामारी से अप्रभावित थी इसके बाद क्रिसमस के दिन इसने 10.6 मिलियन डॉलर कमाए चार दिनों में कुल अड़तीस मिलियन कमाए अपने दूसरे सप्ताह में फिल्म ने 19.5 मिलियन डॉलर की कमाई की जो 30 परसेंट की गिरावट थी और बॉक्स ऑफिस पर वोका के ही बाद दूसरे स्थान पर रही फिल्म को समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षा मिली समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट वेब रूटिन टोमेटोस पर एक आलोचकों में से 35 परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिसकी औसत रेटिंग 4.9 आउट ऑफ टेन है वेबसाइट को की सर्वसम्मति में लिखा है जेसन मोमो एक सक्षम और प्रतिबद्ध अग्रवणी व्यक्ति बने हुए हैं लेकिन यहां तक कि डीसी कट्टरपंथियों को भी लग सकता है कि एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम परिचित जल से जुड़े हुए हैं मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने बयालीस आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से बयालीस का स्कोर दिया जो मिक्सिस या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है सिनेमा स्कोर धारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया जो बैटमैन बना सुपर हीरो सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस डाउन ऑफ जस्टिस और द फ्लैश के साथ डी के सबसे निचले स्तर के बराबर था जबकि ट्रैक ने 69 परसेंट फिल्म देखने वालों की रिपोर्ट दी इसे सकारात्मक अंक दिया 50 परसेंट ने कहा कि वे निश्चित रूप से फिल्म की अनुशंसा करेंगे प्रारंभिक समीक्षाएं जिन्हें काफ़ी हद तक तो नकारात्मक बताया गया फिल्म की सामग्री और निष्पादन से समग्र निराशा के बावजूद मुमुआ और विल्सन के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई द गार्जियन के लिए लिखते हुए पीटर ब्रेडर्स ने फिल्म को एक सितारा समीक्षा देते हुए कहा कि जहां पहली एक्वामैन फिल्म काफी मुसीबत में थी अब हमारे पास एक भयानक सीक्वल है द इंडिपेंडेंट के क्लेयर लाफरे ने फिल्म को एक स्टार देते हुए इसे बुद्धिमान फ्रेंचाइजी फिल्मों की दूसरी गैलरी में नवीनतम प्रविष्टि और डीसीयू की विरासत पर एक गंभीर अभियोग कहा बीबीसी के लिए लिखते हुए निकोलस बार्बर ने एक दो सितारा समीक्षा दी जिसमें कहा गया कि कैसे एकमात्र अभिनेता जो खुद का आनंद ले रहा है वह मुमुआ है और फिल्म के क्रूर संपादन पर टिप्पणी की जो हर संभावित तरीके से आगे बढ़ता है मोन्टास और ओवर के धुंधलेपन में प्रमुख घटना रोलिंग स्टोर के डेविड फियर ने फिल्म को एक ताना वाला गड़बड़ कहा जो वीएपे से घिरा हुआ था जो वीडियो गेम कट सीन से लेकर आखिरी मिनट की भीड़ वाली नौकरी तक जटिल लेकिन अजीब तरह से पतली कहानी और बेहद आक्रमण न्यूडिंग तक फैली हुई थी यहाँ तक कि डीसी के कट्टरपंथियों को भी उनके स्वाद के हिसाब से थोड़ा ज्यादा भरा हुआ लगा सकता है सीएनएन के ब्रायन लोरी ने कहा कि फिल्म में खोज और विश्व निर्माण की भावना का अभाव है जिसने मूल को संचालित किया उन्हें उन्होंने आगे कहा ताजे पानी के दुश्मन की अनुपस्थिति अलग अलग समस्याएं पैदा करती है भेद करने के लिए नए तत्वों की कमी है या फिल्म अपने पूर्ववर्ती से बेहतर है वान के निर्देशक की न्यूयॉर्क टाइम्स में एलिसा विल्किसन और गेम स्पॉट में फिल्म फिल ओवेल ने सराहना की विल्किसन ने उन्हें दर्शकों से देखी जाने वाली पेंट बॉय नंबर सुपर हीरो फिल्म से परे फिल्म बनाने का श्रेय दिया एवी क्लब में के मैथ्यू जैक्सन ने इसे बी ग्रेड देते हुए कहा इस तरह की फिल्म जो मैदान पर अपना सब कुछ छोड़ देता देना चाहती है और जो एक गतिशील अक्सर बिखरी हुई लेकिन फिर भी मनोरंजक पैदा करती है पॉपकॉर्न फिल्म जो वास्तव में हमें वह सब कुछ देती है जो उसके पास है और फिर कुछ कॉमन शेष मीडिया के तारा मैकनामा ने इसे पाँच में से तीन स्टार देते हुए लिखा इस एक्शन फैंटेसी को मजाक के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है आप मदद नहीं कर सकते लेकिन आनंद ले सकते हैं भले ही आपको मस्तिष्क की कोशिकाएं टपकती हुई महसूस हो तु, तुम्हारे का कान दिसंबर 2022 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि वार्नर ब्रदर्स एक्वामैन फिल्म श्रृंखला को समाप्त करने और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बाद मोमोआ को चरित्र लोबो के रूप में दोबारा बनाने पर विचार कर रहे थे जनवरी 2023 में मोमोआ ने कहा कि वह हमेशा एक्वामैन रहेंगे लेकिन उन्हें लगा कि वह अन्य पात्रों को भी चित्रित कर सकते थे हैं उस महीने के अंत में डीसी स्टूडियो के सह सी गन और शफरान ने कहा कि मोमवा के लिए डी यू में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने की संभावना है लेकिन एक्वामैन पर कोई निर्णय नहीं किया गया है कोई भी अभिनेता एक से अधिक किरदार नहीं निभाएगा इसलिए यदि उन्होंने मोमोआ को लोबो के रूप में लिया तो वह डी यू में एक्वामैन का किरदार नहीं निभाएंगे गन ने पुष्टि की, की और द फ्लैश के साथ डीसीयू की पहली फिल्म सुपरमैन लिगेसी 2025 का नेतृत्व करेंगे सितंबर 2023 में गन ने स्पष्ट किया कि 2024 में डीसीयू के लिए पहली परियोजनाओं से पहले जारी किया गया कोई भी डी मीडिया उस फ्रेंचाइजी के लिए कैनन नहीं होगा जिससे टिप्पणीकारों ने आगे बढ़ने की संभावित निरंतरता की संभावना पर सवाल उठाया वान ने कहा कि द लॉस्ट किंगडम एक सीक्वल स्थापित करने में मदद करेगा और एक लंबे ब्रेक के बाद इसे निर्देशित करने में रुचि व्यक्त की अगले महीने वैरायटी ने बताया कि जैक स्नाइडर के डीसीयू में मुख्य कलाकारों में से कोई भी डी में अपनी भूमिका दोबारा नहीं निभाएगा जिसमें एक्वामैन के रूप में ममवा भी शामिल है हालांकि मोमोआ कथित तौर पर सुपरमैन लिगेशिया इस किरदार के लिए एक एकल फिल्म में लोबो का किरदार निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे दिसंबर 2023 में द लॉस्ट किंगडम की रिलीज से पहले ममुआ ने कहा कि एक्वामैन का किरदार निभाने का उनका आखिरी मौका हो सकता है उन्होंने बताया कि अगर फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया तो इसका सीक्वल संभव हो सकता है लेकिन उन्हें लगा कि यह नहीं है भूमिका को दोहराने के लिए वह बहुत अच्छे लग रहे हैं अभिनेता ने कहा कि उनके पास इस किरदार के लिए बहुत सारे विचार हैं और उन्होंने संकेत दिया कि एक्वामैन के बेटे आर्थर जूनियर जैसे एक युवा चरित्र को संभावित तीसरी एक्वामैन फिल्म में दिखाया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा कि एक्वामैन के रूप में उनकी जगह किसी दूसरे अभिनेता को नहीं लिया जाएगा शफरान ने उस समय कहा था कि मोमुआ का डीसी में हमेशा एक घर रहेगा और हम देखेंगे कि इस फिल्म के बाद उसके साथ क्या होता है एक्वामैन 2018 के निर्माण के दौरान स्टार जेसन मोमुआ ने सीक्वल के लिए एक कहानी पिच विकसित की जो उन्होंने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप के अध्यक्ष टोबी एमरी अमेरिच और निर्माता पीटर शफरन को दी अक्टूबर 2018 में फिल्म के रिलीज से पहले मोमवा ने कहा कि वह संभावित सीक्वल के विकास में अधिक शामिल होंगे और 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद है निर्देशक जेम्स वान ने कहा कि ऐसी कई कहानियां हैं जो एक कॉमेन्स से सामने आ सकती है साथ ही उस फिल्म का परिचय दिया कि सात पानी के नीचे का राज्य जिन्हें अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है ने को उसकी भागीदारी के लिए पंद्रह मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया था अमेरिच को दिसंबर की शुरुआत में फिल्म के सीक्वल पर चर्चा शुरू करने के लिए बॉक्स ऑफिस अनुमानों पर पर्याप्त भरोसा था जनवरी दो के अंत तक जब एक्वामैन एकल डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए तैयार थी वानर ब्रदर्स संभावित सीक्वल के विकास और लेखन की देखरेख के लिए वान के साथ बातचीत कर रहे थे निर्देशक के रूप में वापसी डेडलाइन हॉलीवुड के जोह बाउचर ने कहा कि वाह वान अपनी पिछली फिल्मों इंसिडियन 2010 और द कंज्यूरिंग 2013 के सीक्वल को लेकर बहुत सुरक्षात्मक थे और उन्होंने एक्वामैन के विश्व निर्माण में गहरा निवेश किया था वान ने पहले एक्वामैन की दूसरी दुनिया की तुलना अन्य काल्पनिक दुनियाओं जैसे मध्य पृथ्वी स्टार वार्स आकाशगंगा और विजार्डिंग वर्ल्ड से की थी फरवरी 2019 की शुरुआत में वार्नर ब्रदर्स ने द ट्रे ट्रेंच नामक एक्वामैन स्पिन ऑफ फिल्म की पटकथा लिखने के लिए नोआ गार्डन और एडन फिट गेराल्ड को काम पर रखा जो पहली फिल्म में पेश किए गए राज्यों में से एक पर आधारित थी उम्मीद थी कि इसका बजट छोटा होगा और इसमें एक्वामैन के मुख्य कलाकार शामिल नहीं होंगे जबकि वान और सफरान इसका निर्माण कर रहे होंगे हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरी कीट ने तब रिपोर्ट दी थी कि स्टूडियो वन और मोमोआ के बीच एक्वामैन के सीधे सीक्वल के बारे में अभी तक गंभीर चर्चा नहीं हुई थी क्योंकि वे पहले सांस लेना चाहते थे लेकिन कई दिनों बाद उन्होंने बताया कि पहली फिल्म के सहलेखन और अक्सर वान सहयोग डेविड लेस्ली धारापड कथा लिखने के लिए हस्ताक्षर करने के साथ अगली कड़ी पर सक्रिय विकास चल रहा था वान और शफ्रान सीक्वल का निर्माण कर रहे थे हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि वान इसका निर्देशन करेंगे या नहीं फरवरी के अंत में वार्नर ब्रदर्स ने एक्वामैन 2 को सोलह दिसंबर 2022 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया अगले महीने शफरान ने बताया कि वह और सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और वार्नर ब्रदर्स ने ऐसा किया था इसका समर्थन करते हुए यही वजह है कि फिल्म के रिलीज पहली फिल्म के चार साल बाद निर्धारित की गई थी उन्होंने कहा कि वे एक्वामैन फ्रेंचाइजी को कंज्यूरिंग यूनिवर्स की तरह ही देख रहे थे जिसमें द ट्रेंच जैसे स्पीन एक्वामैन अभिनीत मदरशिप फिल्मों के साथ साथ पानी के नीचे के राज्यों के बारे में कहानियों की खोज की गई थी सफरॉन ने कहा कि वन सात राज्यों में से प्रत्येक की वास्तुकला शस्त्रगार सेना रूप अनुभव सामान्य माहौल को जान जानता था और भविष्य की परियोजनाओं में उन सभी का पता लगाना चाहता था वान और विल्सन ने अगस्त 2020 में वर्चुअल डीसी फैंडोम इवेंट में एक पैनल में फिल्म की योजना को छेड़ा एक साल बाद डीसी फैंडोम 2021 में अवधारणा कला और फिल्मांकन से पर्दे के पीछे के फुटेज सामने आए फरवरी 2022 में फिल्म का पहला फुटेज वार्नर ब्रदर्स के टीजर के हिस्से के रूप में जारी किया गया था डीसी फिल्मों की 2022 हज़ार बाईस जिसमें द बैटमैन ब्लैक एडम और द फ्लैश भी शामिल है एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम और द फ्लैश से पहले अगले महीने 2023 तक विलंबित हो गए थे वान ने वार्नर ब्रदर्स में फिल्म का प्रचार किया अप्रैल 2022 में सिनेमा कॉन पैनल मोमोआ के रिकॉर्ड किए गए संदेश के साथ साथ फिल्म के कुछ संक्षिप्त फुटेज दिखा रहा है जब अगस्त में इसकी रिलीज की तारीख में देरी हुई तो उन्होंने फिल्म के लिए और अधिक अवधारणा कला का खुलासा किया पहला ट्रेलर वार्नर के दौरान प्रदर्शित किया गया था अप्रैल 2023 में सिनेमा कॉन पैनल अन्य फुटेज के, और 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 के बीच दिखा रहा है कोलाइडर के स्टीव वेन्ट्रॉब ने कहा कि फुटेज बड़े पैमाने पर दिखा रहा है और इसमें कई एक्शन दृश्य दिखाए गए हैं पॉला नाटकीय ट्रेलर चौदह दिसंबर दो को जारी किया गया था आइडल व्यूज सेफ हाउस ने वार्नर ब्लडर्स पिक्चर्स के सहयोग से एक एक्वाटाई परपेचुअल कैलेंडर डिजिटल डेट मंथ डाइविंग घड़ी जारी की जो अब्दुल मतीन धारा पहली की पहली गई घड़ियों से प्रेरित है रूपॉ ग्रेगसन विलियम्स ने अगस्त 2021 में खुलासा किया कि वह पहली फिल्म और डीसी की वंडर वुमन 2017 के लिए ऐसा करने के बाद अगली कड़ी के लिए स्कोर बनाने के लिए लौट रहे थे। गाना डिप एंड एक्शन एवेंडर धारा प्रस्तुत किया गया था और 17 नवंबर 2023 को एकल के रूप में जारी किया गया था ग्रेगसन विलियम्स के स्कोर के लिए साउंड ट्रैक एल्बम 22 दिसंबर को म्यूजिक धारा जारी किया गया था अक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम दो के अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो डीसी चरित्र अक्वामैन पर आधारित है डीसी स्टूडियोज एंटामिक मास्टर्स और सफरान कंपनी द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह अक्वामैन 2018 की अगली कड़ी है और डीसी यूनिवर्स में पंद्रहवीं फिल्म और अंतिम किस्त है फिल्म का निर्देशन डेविड लेस्टली जॉनसन मैग गोल्डरिन की पटकथा से जेम्स वान ने किया था और जेसन मोमोआ ने आर्थर करी एक्वामैन की भूमिका निभाई थी साथ में पैट्रिक विल्सन एम्बर हॉड याहया अब्दुल मतीन रैंडल पार्क डॉल्फ लुडग्रेन टेमुएरा मारिसन मार्टिन थे फिल्म में आर्थर को अपने सौतेले भाई आम विल्सन के साथ मिलकर ब्लैक मंटा को प, अपने परिवार को मारने से रोकने और समुद्र के खोए हुए सातवें साम्राज्य की खोज करते समय दुनिया को गर्म करने के लिए शापित ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करने से रोकने के लिए काम करना होगा मोमोआ ने पहली फिल्म के निर्माण के दौरान एक्वामैन सीक्वल के लिए एक कहानी पेश की वन सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे लेकिन जनवरी 2019 में विकास की देखरेख के लिए सहमत हुए जॉनसन मैगोल ने एक महीने बाद पटकथा लेखन के लिए रूप में वापसी के लिए हस्ताक्षर किए और अगस्त 2020 में निर्देशक के रूप में लौटने की पुष्टि की गई उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्माण पर विस्तार करेगी और जून 2021 में अगली कड़ी के शीर्षक की घोषणा की फिल्मांकन शुरू हुआ महीने के अंत में और जनवरी के 2022 में यूनाइटेड किंगडम हवाई लॉन्स एंजिल लॉस एंजिलेस और जर्सी में न्यूजीलैंड में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ समाप्त हुआ 205 से 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच उत्पादन बजट के साथ यह अब तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक है अकुआ मैन द लॉस्ट किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को ग्रो, लॉस एंजलिस में एक प्रशंसक कार्यक्रम में हुआ और 22 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में मिलियन डॉलर की कमाई की है एक्वामैन एंड द लॉस किंगडम का प्रीमियर उन्नीस दिसंबर दो को लॉस एंजलिस के ग्रो एट फार्मर्स मार्केट में एक फैन इवेंट स्क्रीनिंग में हुआ द हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस कीट ने रेड कार्पेट इवेंट और आफ्टर पार्टी नहीं करने के लिए यह नोट किया था जिसमें वान और मोमोआ ने ब्लू कारपेट प्रोटोकॉल और छोटे पैमाने के प्रशंसक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के बाद भाग लिया था लंदन बेजिंग और लॉस एंजलिस फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दि दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों के अलावा आई मैक्स और फोर में इसे मूल रूप से सोलह दिसंबर दो को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन इसे 17 मार्च दो को स्थगित कर दिया गया जब वार्नर ब्रदर्स ने दृश्य प्रभाव विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया इसके बाद इसे पच्चीस दिसंबर दो हजार जाया गया, जब वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी मार्केटिंग और वितरण लागत को फैलाने की कोशिश कर रही है थी। 20 को आगे बढ़ने से पहले और फिर इसे दो दिन आगे बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया 7 जनवरी 2024 तक एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 100 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में दो मिलियन डॉलर यानी दुनिया भर में कुल तीन मिलियन डॉलर की कमाई की है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक्वैन एंड द लॉस्ट किंगडम को आइग्रेशन माइग्रेशन एनी बॉट बॉट यू और द वायरल कलाम के साथ रिलीज किया गया था और इसके चार दिवसीय शुरुआती सप्ताह में लगभग 40 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था फिल्म ने अपने पहले दिन 13.7 थर्टीन पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर कमाए जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से फोर पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर भी शामिल थे इसने 27.5 पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का पारंपरिक शुरुआत के सप्ताह हासिल किया जो डी का चौथा सबसे कम और उन फिल्मों में दूसरा सबसे कम था जो कोविड नाइन्टीन महामारी से अप्रभावित थी इसके बाद क्रिसमस के दिन इसने 10.6 मिलियन डॉलर कमाए चार दिनों में कुल अड़तीस मिलियन कमाए अपने दूसरे सप्ताह में फिल्म ने 19.5 मिलियन डॉलर की कमाई की जो 30% परसेंट की गिरावट थी और बॉक्स ऑफिस पर वोका के बाद दूसरे स्थान पर रही फिल्म को समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षा मिली समीक्षा एगिगेटर वेबसाइट वेब एन टोमेटोस पर एक आलोचकों में से 35 परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिसकी औसत रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 10 है सर्वसम्मति में लिखा है जेसन एक सक्षम और प्रतिबद्ध अग्रवणी व्यक्ति बने हुए हैं लेकिन यहां तक कि डीसी कट्टरपंथियों को भी लग सकता है कि एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम परिचित जल से जुड़े हुए हैं मेटाक्रिटिक जो एक भारित औसत का उपयोग करता है ने बयालीस आलोचकों के आधार पर फिल्म को १०० में से बयालीस का स्कोर दिया जो मिक्सिस या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है सिनेमा स्कोर धारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया जो बैटमैन बना सुपर हीरो सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस डाउन ऑफ जस्टिस और द फ्लैश के साथ डी के सबसे निचले स्तर के बराबर था जबकि ट्रैक ने 69 परसेंट फिल्म देखने वालों की रिपोर्ट दी इसे सकारात्मक अंक दिया 50 परसेंट ने कहा कि वे निश्चित रूप से फिल्म की अनुशंसा करेंगे प्रारंभिक समीक्षाएं जिन्हें काफी हद तक नकारात्मक बताया गया फिल्म की सामग्री और निष्पादन से समग्र निराशा के बावजूद ममुआ और विल्सन के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई द गार्जियन के लिए लिखते हुए पीटर ब्रेडर्स ने फिल्म को एक सितारा समीक्षा देते हुए कहा कि जहां पहली एक्वामैन फिल्म काफी मुसीबत में थी अब हमारे पास एक भयानक सीक्वल है द इंडिपेंडेंट के क्लेयर लाफरे ने फिल्म को एक स्टार देते हुए इसे बुद्धिमान फ्रेंचाइजी फिल्मों की दूसरी गैलरी में नवीनतम प्रविष्टि और डीसीयू की विरासत पर एक गंभीर अभियोग कहा बीबीसी के लिए लिखते हुए निकोलस बार्बर ने एक दो सितारा समीक्षा दी जिसमें कहा गया कि कैसे एकमात्र अभिनेता जो खुद का आनंद ले रहा है वह मुमुआ है और फिल्म के क्रूर संपादन पर टिप्पणी की जो हर संभावित तरीके से आगे बढ़ता है मोन्टास और ओवर के धुंधलेपन में प्रमुख घटना रोलिंग स्टोर के डेविड फियर ने फिल्म को एक ताना वाला गड़बड़ कहा जो वीएफएक्स से घिरा हुआ था जो वीडियो गेम कट सीन से लेकर आखिरी मिनट की भीड़ वाली नौकरी तक जटिल लेकिन अजीब तरह से पतली कहानी और बेहद आक्रमण न्यूडिंग तक फैली हुई थी यहाँ तक कि डीसी के कट्टरपंथियों को भी यह उनके स्वाद के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ लग सकता है सीएनएन के ब्रायन लोरी ने कहा कि फिल्म में खोज और विश्व निर्माण की भावना का अभाव है जिसने मूल को संचालित किया उन्हें उन्होंने आगे कहा ताजे पा, पानी के दुश्मन की अनुपस्थिति अलग अलग समस्याएं पैदा करती है भेद करने के लिए नए तत्वों की कमी है या फिल्म अपने पूर्ववर्ती से बेहतर है वान के निर्देशक की द न्यूयॉर्क टाइम्स में एलिसा विल्किसन और गेम स्पॉट में फिल्म फिल ओवेल ने सराहना की विल्किसन ने उन्हें दशकों से देखी जाने वाली पेंट बॉय नंबर सुपर हीरो फिल्म से परे फिल्म बनाने का श्रेय दिया एवी क्लब में के मैथ्यू जैक्सन ने इसे बी ग्रेड देते हुए कहा इस तरह की फिल्म जो मैदान पर अपना सब कुछ छोड़ देता देना चाहती है और जो एक गतिशील अक्सर बिखरी हुई लेकिन फिर भी मनोरंजक पैदा करती है पॉपकॉर्न फिल्म जो वास्तव में हमें वह सब कुछ देती है जो उसके पास है और फिर कुछ कॉमन शेष मीडिया के तारा मैकनामा ने इसे पाँच में से तीन स्टार देते हुए लिखा इस एक्शन फैंटेसी को गूंगा मजाक के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है आप मदद नहीं कर सकते लेकिन आनंद ले सकते हैं भले ही आपको मस्तिष्क की कोशिकाएं टपकती हुई महसूस हो तु, तुम्हारे का कान दिसंबर 2022 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि वार्नर ब्रदर्स एक्वामैन फिल्म श्रृंखला को समाप्त करने और एक्वामैन एंड द लॉस किंगडम के बाद मोमोआ को चरित्र लोबो के रूप में दोबारा बनाने पर विचार कर रहे थे जनवरी 2023 में मोमोआ ने कहा कि वह हमेशा एक्वामैन रहेंगे लेकिन उन्हें लगा कि वह अन्य पात्रों को भी चित्रित कर सकते थे हैं उस महीने के अंत में डीसी स्टूडियो के सह सी गन और शफरान ने कहा कि मोमोआ के लिए डी यू में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने की संभावना है लेकिन एक्वामैन पर कोई निर्णय नहीं किया गया है कोई भी अभिनेता एक से अधिक किरदार नहीं निभाएगा इसलिए यदि उन्होंने मोमोआ को लोबो के रूप में लिया तो वह डी यू में एक्वामैन का किरदार नहीं निभाएंगे गन ने पुष्टि की, की लॉस्ट किंगडम द फ्लैश के साथ डी की पहली फिल्म सुपरमैन लिगेसी 2025 का नेतृत्व करेंगे सितंबर 2023 में गन ने स्पष्ट किया कि 2024 में डीसीयू के लिए पहली परियोजनाओं से पहले जारी किया गया कोई भी डी मीडिया उस फ्रेंचाइजी के लिए कैनन नहीं होगा जिससे टिप्पणीकारों ने आगे बढ़ने की संभावित निरंतरता की संभावना पर सवाल उठाया वान ने कहा द लॉस्ट किंगडम एक सीक्वल स्थापित करने में मदद करेगा और एक लंबे ब्रेक के बाद इसे निर्देशित करने में रुचि व्यक्त की अगले महीने वेराइटी ने बताया कि जैक स्नाइडर के डीसीयू में मुख्य कलाकारों में से कोई भी डी में अपनी भूमिका दोबारा नहीं निभाएगा जिसमें एक्वामैन के रूप में मोमोआ भी शामिल है हालांकि मोमोआ कथित तौर पर सुपरमैन या इस किरदार के लिए एक एकल फिल्म में लोगों का किरदार निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे दिसंबर 2023 में द लॉस्ट किंगडम की रिलीज से पहले मोमोआ ने कहा कि एक्वामैन का किरदार निभाने का उनका आखिरी मौका हो सकता है उन्होंने बताया कि अगर फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया तो इसका सीक्वल संभव हो सकता है लेकिन उन्हें लगा कि यह नहीं है भूमिका को दोहराने के लिए वह बहुत अच्छे लग रहे हैं अभिनेता ने कहा कि उनके पास इस किरदार के लिए बहुत सारे विचार हैं और उन्होंने संकेत दिया कि एक्वामैन के बेटे आर्थर जूनियर जैसे एक युवा चरित्र को संभावित तीसरी एक्वामैन फिल्म में दिखाया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा कि एक्वामैन के रूप में उनकी जगह किसी दूसरे अभिनेता को नहीं लिया जाएगा शफरान ने उस समय कहा था कि मोमुआ का डीसी में हमेशा एक घर रहेगा और हम देखेंगे कि इस फिल्म के बाद उसके साथ क्या होता है एक्वामैन 2018 के निर्माण के दौरान स्टार जेसन मोमुआ ने सीक्वल के लिए एक कहानी पिच विकसित की जो उन्होंने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप के अध्यक्ष टोबी एमरी अमेरिच और निर्माता पीटर शफरान को दी अक्टूबर 2018 में फिल्म के रिलीज से पहले मोमुआ ने कहा कि वह संभावित सीक्वल के विकास में अधिक शामिल होंगे और 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद है निर्देशक जेम्स वान ने कहा कि ऐसी कई कहानियां हैं जो एक वैन से सामने आ सकती है साथ ही उस फिल्म का परिचय दिया कि सात पानी के नीचे का राज्य जिन अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है। ने को उसकी भागीदारी के लिए पंद्रह मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया था अमेरी को दिसंबर की शुरुआत में फिल्म के सीक्वल पर चर्चा शुरू करने के लिए बॉक्स ऑफिस अनुमानों पर पर्याप्त भरोसा था जनवरी दो के अंत तक जब एक्वामैन एकल डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए तैयार थी वानर ब्रदर्स संभावित सीक्वल के विकास और लेखन की देखरेख के लिए वान के साथ बातचीत कर रहे थे निर्देशक के रूप में वापसी डेडलाइन हॉलीवुड के जोह बाउचर ने कहा कि वह वा, अपनी पिछली फिल्मों इंसिडियन 2010 और द कॉन्ज्यूरिंग 2013 के सीक्वल को लेकर बहुत सुरक्षात्मक थे और उन्होंने एक्वामैन के विश्व निर्माण में गहरा निवेश किया था वान ने पहले एक्वामैन की दूसरी दुनिया की तुलना अन्य काल्पनिक दुनियाओं जैसे मध्य पृथ्वी स्टार वार्स आकाशगंगा और विजार्डिंग वर्ल्ड से की थी फरवरी 2019 की शुरुआत में वार्नर ब्रदर्स ने द ट्रे, ट्रेंच नामक एक्वामैन ऑफ फिल्म की पटकथा लिखने के लिए नोआ गार्डन और एडन फीट को काम पर रखा जो पहली फिल्म में पेश किए गए राज्यों में से एक पर आधारित थी। उम्मीद थी कि इसका बजट छोटा होगा और इसमें एक्वामैन के मुख्य कलाकार शामिल नहीं होंगे जबकि वान और शफरान इसका निर्माण कर रहे होंगे द हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस कीट ने तब रिपोर्ट दी थी कि स्टूडियो वन और मोमोआ के बीच एक्वामैन के सीधे सीक्वल के बारे में अभी तक गंभीर चर्चा नहीं हुई थी क्योंकि वे पहले शौच लेना चाहते थे लेकिन कई दिनों बाद उन्होंने बताया कि पहली फिल्म के लेखन और अक्सर वाहन सहयोग डेविड लेस्ली धारा पटकथा लेखने के लिए हस्ताक्षर करने के साथ अगली कड़ी पर सक्रिय विकास चल रहा था वान और शफरान सीक्वल का निर्माण कर रहे थे हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि वान इसका निर्देशन करेंगे या नहीं फरवरी के अंत में वार्नर ब्रदर्स ने एक्वामैन 2 को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया अगले महीने शफरान ने बताया कि वह वा और वान सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और वार्नर ब्रदर्स ने ऐसा किया था इसका समर्थन करते हुए यही वजह है कि फिल्म के रिलीज पहली फिल्म के चार साल बाद निर्धारित की गई थी उन्होंने कहा कि वे एक्वामैन फ्रेंचाइजी को कंज्यूरिंग यूनिवर्स की तरह ही देख रहे थे जिसमें द ट्रेंच जैसे स्पीन ऑफ में एक्वामैन अभिनीत मदरशिप फिल्मों के साथ साथ पानी के नीचे के राज्यों के बारे में कहानियों की खोज की गई थी सफरॉन ने कहा कि वन सात राज्यों में से प्रत्येक की वास्तुकला शस्त्रगार सेना रूप अनुभव सामान्य माहौल को जान, जानता था और भविष्य की परियोजनाओं में उन सभी का पता लगाना चाहता था वान और विल्सन ने अगस्त 2020 में वर्चुअल डीसी फैंडोम इवेंट में एक पैनल में फिल्म की योजना को छेड़ा एक साल बाद डीसी फैंडोम 2021 में अवधारणा कला और फिल्मांकन से पर्दे के पीछे के फुटेज सामने आए फरवरी 2022 में फिल्म का पहला फुटेज वार्नर ब्रदर्स के टीजर के हिस्से के रूप में जारी किया गया था डीसी फिल्मों की 2022 हज़ार बाईस जिसमें द बैटमैन ब्लैक एडम और द फ्लैश भी शामिल है एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम और द फ्लैश से पहले अगले महीने 2023 तक विलंबित हो गए थे वान ने वार्नर ब्रदर्स में फिल्म का प्रचार किया अप्रैल 2022 में सिनेमा कॉन पैनल मोमोआ के रिकॉर्ड किए गए संदेश के साथ साथ फिल्म के कुछ संक्षिप्त फुटेज दिखा रहा है जब अगस्त में इसकी रिलीज की तारीख में देरी हुई तो उन्होंने फिल्म के लिए और अधिक अवधारणा कला का खुलासा किया पहला ट्रेलर वार्न ब्रदर्स के दौरान प्रदर्शित किया गया था अप्रैल 2023 में सिनेमा पैनल अन्य फुटेज के बीच अर्थात अर्थर और आर्म के बीच ब्रोमांस दिखा रहा है कोलाइडर के स्टीव वेन्ट्रॉब ने कहा कि फुटेज बड़े पैमाने पर दिखा रहा है और इसमें कई एक्शन दृश्य दिखाए गए हैं नाटकीय ट्रेलर 14 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था आइडल व्यूज सेफ हाउस ने वार्नल ब्लडर्स पिक्चर्स के सहयोग से एक परपेचुअल कैलेंडर डिजिटल डेट मंथ डाइविंग घड़ी जारी की जो अब्दुल मतिन धारा पहली, की पहली गई घड़ियों से प्रेरित है रूपर्ट ग्रेगसन विलियम्स ने अगस्त 2021 में खुलासा किया कि वह पहली फिल्म और डीसी की वंडर वुमन 2017 के लिए ऐसा करने के बाद अगली कड़ी के लिए स्कोर बनाने के लिए लौट रहे थे गाना डीप एंड एक्शन इवेंडर धारा प्रस्तुत किया गया था और 17 नवंबर 2023 को एकल के रूप में जारी किया गया था ग्रेगसन विलियम्स के स्कोर के लिए साउंड ट्रैक एल्बम बाईस दिसंबर को म्यूजिक धारा जारी किया गया था अक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम 2023 के अमेरिकी सुपर फिल्म है जो डीसी चरित्र अक्वामैन पर आधारित है डीसी स्टूडियोज एंटामिक मास्टर्स और सफरान कंपनी द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह अक्वामैन 2018 की अगली कड़ी है और डीसी यूनिवर्स में पंद्रहवीं फिल्म और अंतिम किस्त है फिल्म का निर्देशन डेविड लेस्टली जॉनसन मैग गोल्ड्रीन की पटकथा से जेम्स वान ने किया था और जेसन मोमोआ ने आर्थर करी एक्वामैन की भूमिका निभाई थी साथ में पैट्रिक विल्सन एम्बर हॉड याहया अब्दुल मतीन रैंडल पार्क डॉल्फ लुडग्रेन टेमुएरा मारिसन मार्टिन थे फिल्म में आर्थर को अपने सौतेले भाई आम विल्सन के साथ मिलकर ब्लैक मंटा प, अपने परिवार को मारने से रोकने और समुद्र को के खोए हुए सातवें साम्राज्य की खोज करते समय दुनिया को गर्म करने के लिए शापित ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करने से रोकने के लिए काम करना होगा मोमोआ ने पहली फिल्म के निर्माण के दौरान एक्वामैन सीक्वल के लिए एक कहानी पेश की वन सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे लेकिन जनवरी 2019 में विकास की देखरेख के लिए सहमत हुए जॉनसन मैगोल्ड्री ने एक महीने बाद पथखथा लेखन के लिए रूप में वापसी के लिए हस्ताक्षर किए और वान के अगस्त 2020 में निर्देशक के रूप में लौटने की पुष्टि की गई उन्होंने कहा कि फिल्म अक्वामैन के विश्व निर्माण पर विस्तार करेगी और जून 2021 में अगली कड़ी के शीर्षक की घोषणा की फिल्मांकन शुरू हुआ महीने के अंत में और जनवरी के 2022 में यूनाइटेड किंगडम हवाई लॉन्स एंजिल लॉस एंजलिस और जर्सी में न्यूजीलैंड में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ समाप्त हुआ 205 से 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच उत्पादन बजट के साथ यह अब तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक है अकुआ मैन एंड द लॉस किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को ग्रो लॉस एंजलिस में एक प्रशंसक कार्यक्रम में हुआ और 22 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में तीन मिलियन डॉलर की कमाई की है अकुआ मैन एंड द लॉस किंगडम का प्रीमियर उन्नीस दिसंबर दो को लॉस एंजलिस के ग्रो एट फार्मर्स मार्केट में एक फैन इवेंट स्क्रीनिंग में हुआ हॉलीवुड कारपेट इवेंट और आफ्टर पार्टी नहीं करने के लिए यह नोट किया था, कारपेट फोटोकॉल और छोटे फोटो पैमाने के प्रशंसक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के बाद भाग लिया था लंदन बेजिंग और लॉस एंजलिस फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दि दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों के अलावा आई मैक्स और फोर में इसे मूल रूप से सोलह दिसंबर दो को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन इसे 17 मार्च दो को स्थगित कर दिया गया जब वार्नर ब्रदर्स ने दृश्य प्रभाव विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया इसके बाद इसे पच्चीस दिसंबर दो हजार जाया गया, जब वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी मार्केटिंग और वितरण लागत को फैलाने की कोशिश कर रही है थी। 20 को आगे बढ़ने से पहले और फिर इसे दो दिन आगे बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया 7 जनवरी 2024 तक एक्वा मैन एंड द लॉस किंगडम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 100 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में दो मिलियन डॉलर यानी दुनिया भर में कुल तीन मिलियन डॉलर की कमाई की है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक्वैन एंड द लॉस्ट किंगडम को आइग्रेशन माइग्रेशन एनी बॉट बॉट यू और द वायरल कलाम के साथ रिलीज किया गया था और इसके चार दिवसीय शुरुआती सप्ताह में लगभग 40 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था फिल्म ने अपने पहले दिन थ्री थर्टीन पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर कमाए जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से फोर पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर भी शामिल थे इसने सत्ताईस पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का पारापरिक शुरुआत के सप्ताह हासिल किया जो डी का चौथा सबसे कम और उन फिल्मों में दूसरा सबसे कम था जो कोविड नाइन्टीन महामारी से अप्रभावित थी इसके बाद क्रिसमस के दिन इसने 10.6 मिलियन डॉलर कमाए चार दिनों में कुल अड़तीस मिलियन कमाए अपने दूसरे सप्ताह में फिल्म ने 19.5 मिलियन डॉलर की कमाई की जो 30 परसेंट की गिरावट थी और बॉक्स ऑफिस पर वोका के ही बाद दूसरे स्थान पर रही फिल्म को समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षा मिली समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट वेब रूटिन टोमेटोस पर एक आलोचकों में से 35 परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिसकी औसत रेटिंग 4.9 पॉइंट नाइन आउट ऑफ टेन है सर्वसम्मति में लिखा है जेसन मोमो एक सक्षम और प्रतिबद्ध अग्रवणी व्यक्ति बने हुए हैं लेकिन यहां तक कि डीसी कट्टरपंथियों को भी लग सकता है कि एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम परिचित जल से जुड़े हुए हैं मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने बयालीस आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से बयालीस का स्कोर दिया जो मिक्सिस या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है सिनेमा स्कोर धारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया जो बैटमैन बना सुपर हीरो सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस डाउन ऑफ जस्टिस और द फ्लैश के साथ डी के सबसे निचले स्तर के बराबर था जबकि ट्रैक ने 69 परसेंट फिल्म देखने वालों की रिपोर्ट दी इसे सकारात्मक अंक दिया 50 परसेंट ने कहा कि वे निश्चित रूप से फिल्म की अनुशंसा करेंगे प्रारंभिक समीक्षाएं जिन्हें काफ़ी हद तक तो नकारात्मक बताया गया फिल्म की सामग्री और निष्पादन से समग्र निराशा के बावजूद ममुआ और विल्सन के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई द गार्जियन के लिए लिखते हुए पीटर ब्रेडर्स ने फिल्म को एक सितारा समीक्षा देते हुए कहा कि जहां पहली एक्वाइन फिल्म काफी मुसीबत में थी अब हमारे पास एक भयानक सीक्वल है द इंडिपेंडेंट के क्लियर लाफरे ने फिल्म को एक स्टार देते हुए इसे बुद्धिमान फ्रेंचाइजी फिल्मों की दूसरी गैलरी में नवीनतम प्रविष्टि और डीसीयू की विरासत पर एक गंभीर अभियोग कहा बीबीसी के लिए लिखते हुए निकोलस बार्बर ने एक दो सितारा समीक्षा दी जिसमें कहा गया कि कैसे एकमात्र अभिनेता जो खुद का आनंद ले रहा है वह मुमुआ है और फिल्म के क्रूर संपादन पर टिप्पणी की जो हर संभावित तरीके से आगे बढ़ता है मोन्टास और ओवर के धुंधलेपन में प्रमुख घटना रोलिंग स्टोर के डेविड फियर ने फिल्म को एक ताना वाला गड़बड़ कहा जो वीएपेक से घिरा हुआ था जो वीडियो गेम कट सीन से लेकर आखिरी मिनट की भीड़ वाली नौकरी तक जटिल लेकिन अजीब तरह से पतली कहानी और बेहद आक्रमण रिवन्यूडिंग तक फैली हुई थी यहाँ तक कि डीसी के कट्टरपंथियों को भी उनके स्वाद के हिसाब से थोड़ा ज्यादा भरा हुआ लगा सकता है सीएनएन के ब्रायन लोरी ने कहा कि फिल्म में खोज और विश्व निर्माण की भावना का अभाव है जिसने मूल को संचालित किया उन्हें उन्होंने आगे कहा ताजे पानी के दुश्मन की अनुपस्थिति अलग अलग समस्याएं पैदा करती है भेद करने के लिए नए तत्वों की कमी है या फिल्म अपने पूर्ववर्ती से बेहतर है वान के निर्देशक की न्यूयॉर्क टाइम्स में एलिसा विल्किसन और गेम स्पॉट में फिल्म फिल ओवेल ने सराहना की विल्किसन ने उन्हें दर्शकों से देखी जाने वाली पेंट बॉय नंबर सुपर हीरो फिल्म से परे फिल्म बनाने का श्रेय दिया एवी क्लब में के मैथ्यू जैक्सन ने इसे बी ग्रेड देते हुए कहा इस तरह की फिल्म जो मैदान पर अपना सब कुछ छोड़ देता देना चाहती है और जो एक गतिशील अक्सर बिखरी हुई लेकिन फिर भी मनोरंजक पैदा करती है पॉपकॉर्न फिल्म जो वास्तव में हमें वह सब कुछ देती है जो उसके पास है और फिर कुछ कॉमन सोश मीडिया के तारा मैकनामा ने इसे पाँच में से तीन स्टार देते हुए लिखा इस एक्शन फैंटेसी को मजाक के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है आप मदद नहीं कर सकते लेकिन आनंद ले सकते हैं भले ही आपको मस्तिष्क की कोशिकाएं टपकती हुई महसूस हो तु, तुम्हारे का कान दिसंबर 2022 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि वार्नर ब्रदर्स एक्वामैन फिल्म श्रृंखला को समाप्त करने और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बाद मोमोआ को चरित्र लोबो के रूप में दोबारा बनाने पर विचार कर रहे थे जनवरी 2023 में मोमोआ ने कहा कि वह हमेशा एक्वामैन रहेंगे लेकिन उन्हें लगा कि वह अन्य पात्रों को भी चित्रित कर सकते थे हैं उस महीने के अंत में डीसी स्टूडियो के सह सी गन और शफरान ने कहा कि मोमवा के लिए डी यू में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने की संभावना है लेकिन एक्वामैन पर कोई निर्णय नहीं किया गया है कोई भी अभिनेता एक से अधिक किरदार नहीं निभाएगा इसलिए यदि उन्होंने मोमोआ को लोबो के रूप में लिया तो वह डी यू में एक्वामैन का किरदार नहीं निभाएंगे गन ने पुष्टि की, की लॉस्ट किंगडम द फ्लैश के साथ डीसीयू की पहली फिल्म सुपरमैन लिगेसी 2025 का नेतृत्व करेंगे सितंबर 2023 में गन ने स्पष्ट किया कि 2024 में डीसीयू के लिए पहली परियोजनाओं से पहले जारी किया गया कोई भी डी मीडिया उस फ्रेंचाइजी के लिए कैनन नहीं होगा जिससे टिप्पणीकारों ने आगे बढ़ने की संभावित निरंतरता की संभावना पर सवाल उठाया वान ने कहा कि द लॉस्ट किंगडम एक सीक्वल स्थापित करने में मदद करेगा और एक लंबे ब्रेक के बाद इसे निर्देशित करने में रुचि व्यक्त की अगले महीने वैरायटी ने बताया कि जैक स्नाइडर के डीसीयू में मुख्य कलाकारों में से कोई भी डी में अपनी भूमिका दोबारा नहीं निभाएगा जिसमें एक्वामैन के रूप में ममुआ भी शामिल है हालांकि मोमोआ कथित तौर पर सुपरमैन लिगेशिया इस किरदार के लिए एक एकल फिल्म में लोबो का किरदार निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे दिसंबर 2023 में द लॉस्ट किंगडम की रिलीज से पहले ममुआ ने कहा कि एक्वामैन का किरदार निभाने का उनका आखिरी मौका हो सकता है उन्होंने बताया कि अगर फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया तो इसका सीक्वल संभव हो सकता है लेकिन उन्हें लगा कि यह नहीं है भूमिका को दोहराने के लिए वह बहुत अच्छे लग रहे हैं अभिनेता ने कहा कि उनके पास इस किरदार के लिए बहुत सारे विचार हैं और उन्होंने संकेत दिया कि एक्वामैन के बेटे आर्थर जूनियर जैसे एक युवा चरित्र को संभावित तीसरी एक्वामैन फिल्म में दिखाया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा कि एक्वामैन के रूप में उनकी जगह किसी दूसरे अभिनेता को नहीं लिया जाएगा शफरान ने उस समय कहा था कि मोमुआ का डीसी में हमेशा एक घर रहेगा और हम देखेंगे कि इस फिल्म के बाद उसके साथ क्या होता है एक्वामैन 2018 के निर्माण के दौरान स्टार जेसन मोमुआ ने सीक्वल के लिए एक कहानी पिच विकसित की जो उन्होंने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप के अध्यक्ष टोबी एमरी अमेरिच और निर्माता पीटर सफरान को दी अक्टूबर 2018 में फिल्म के रिलीज से पहले ममुआ ने कहा कि वह संभावित सीक्वल के विकास में अधिक शामिल होंगे और 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद है निर्देशक जेम्स वान ने कहा कि ऐसी कई कहानियां हैं जो एक्वामैन से सामने आ सकती है साथ ही उस फिल्म का परिचय दिया है साथ पानी के नीचे का राज्य जिन्हें अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है ने को उसकी भागीदारी के लिए पंद्रह मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया था अमेरिक अमेरिच को दिसंबर की शुरुआत में फिल्म के सीक्वल पर चर्चा शुरू करने के लिए बॉक्स ऑफिस अनुमानों पर पर्याप्त भरोसा था जनवरी दो के अंत तक जब एक्वामैन एकल डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए तैयार थी वानर ब्रदर्स संभावित सीक्वल के विकास और लेखन की देखरेख के लिए वान के साथ बातचीत कर रहे थे निर्देशक के रूप में वापसी डेडलाइन हॉलीवुड के जोह बाउचर ने कहा कि वाह वान अपनी पिछली फिल्मों इंसिडियन 2010 और द कंज्यूरिंग 2013 के सीक्वल को लेकर बहुत सुरक्षात्मक थे और उन्होंने एक्वामैन के विश्व निर्माण में गहरा निवेश किया था वान ने पहले एक्वामैन की दूसरी दुनिया की तुलना अन्य काल्पनिक दुनियाओं जैसे मध्य पृथ्वी स्टार वार्स आकाश और विजार्डिंग वर्ल्ड से की थी फरवरी 2019 की शुरुआत में वार्नर ब्रदर्स ने द ट्रे, ट्रेंच नामक एक्वामैन ऑफ़ फिल्म की पटकथा लिखने के लिए नोआ गार्डन और एडन फीट गेराल्ड को काम पर रखा जो पहली फिल्म में पेश किए गए राज्यों में से एक पर आधारित थी उम्मीद थी कि इसका बजट छोटा होगा और इसमें एक्वामैन के मुख्य कलाकार शामिल नहीं होंगे जबकि वान और सफरान इसका निर्माण कर रहे होंगे द हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस कीट ने तब रिपोर्ट दी थी कि स्टूडियो वन और मोमोआ के बीच एक्वामैन के सीधे सीक्वल के बारे में अभी तक गंभीर चर्चा नहीं हुई थी क्योंकि वे पहले शौच लेना चाहते थे लेकिन कई दिनों बाद उन्होंने बताया कि पहली फिल्म के लेखन और अक्सर वन सहयोग डेविड लेस्ली धारा पटकथा लेखने के लिए हस्ताक्षर करने के साथ अगली कड़ी पर सक्रिय विकास चल रहा था वान और शफरान सीक्वल का निर्माण कर रहे थे हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि वान इसका निर्देशन करेंगे या नहीं फरवरी के अंत में वार्नर ब्रदर्स ने एक्वामैन 2 को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया अगले महीने शफरान ने बताया कि वह वा और वान सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और वार्नर ब्रदर्स ने ऐसा किया था इसका समर्थन करते हुए यही वजह है कि फिल्म के रिलीज पहली फिल्म के चार साल बाद निर्धारित की गई थी उन्होंने कहा कि वे एक्वामैन फ्रेंचाइजी को कंज्यूरिंग यूनिवर्स की तरह ही देख रहे थे जिसमें द ट्रेंच जैसे स्पीन ऑफ में एक्वामैन अभिनीत मदरशिप फिल्मों के साथ साथ पानी के नीचे के राज्यों के बारे में कहानियों की खोज की गई थी सफरॉन ने कहा कि वन सात राज्यों में से प्रत्येक की वास्तुकला शस्त्रगार सेना रूप अनुभव सामान्य माहौल को जान, जानता था और भविष्य की परियोजनाओं में उन सभी का पता लगाना चाहता था वान और विल्सन ने अगस्त 2020 में वर्चुअल डीसी फैंडोम इवेंट में एक पैनल में फिल्म की योजना को छेड़ा एक साल बाद डीसी फैंडोम 2021 में अवधारणा कला और फिल्मांकन से पर्दे के पीछे के फुटेज सामने आए फरवरी 2022 में फिल्म का पहला फुटेज वार्नर ब्रदर्स के टीजर के हिस्से के रूप में जारी किया गया था डीसी फिल्मों की 2022 हज़ार बाईस जिसमें द बैटमैन ब्लैक एडम और द फ्लैश भी शामिल है एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम और द फ्लैश से पहले अगले महीने 2023 तक विलंबित हो गए थे वान ने वार्नर ब्रदर्स में फिल्म का प्रचार किया अप्रैल 2022 में सिनेमा कॉन पैनल मोमोआ के रिकॉर्ड किए गए संदेश के साथ साथ फिल्म के कुछ संक्षिप्त फुटेज दिखा रहा है जब अगस्त में इसकी रिलीज की तारीख में देरी हुई तो उन्होंने फिल्म के लिए और अधिक अवधारणा कला का खुलासा किया पहला ट्रेलर वार्नर ब्रदर्स के दौरान प्रदर्शित किया गया था अप्रैल 2023 में सिनेमा कॉन पैनल अन्य फुटेज के, और 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 के बीच अर्थात के बीच रोमांस दिखा रहा है कोलाइडर के स्टीव वेन्ट्रॉब ने कहा कि फुटेज बड़े पैमाने पर दिखा रहा है और इसमें कई एक्शन दृश्य दिखाए गए हैं पहला नाटकीय ट्रेलर चौदह दिसंबर दो को जारी किया गया था आइडल व्यूज सेफ हाउस ने वार्नर ब्लडर्स पिक्चर्स के सहयोग से एक एक्वाटाई परपेचुअल कैलेंडर डिजिटल डेट मंथ डाइविंग घड़ी जारी की जो अब्दुल मतीन धारा पहली की पहली गई घड़ियों से प्रेरित है रूपॉ ग्रेगसन विलियम्स ने अगस्त 2021 में खुलासा किया कि वह पहली फिल्म और डीसी की वंडर वुमन 2017 के लिए ऐसा करने के बाद अगली कड़ी के लिए स्कोर बनाने के लिए लौट रहे थे। गाना डिप एंड एक्शन एवेंडर धारा प्रस्तुत किया गया था और 17 नवंबर 2023 को एकल के रूप में जारी किया गया था ग्रेगसन विलियम्स के स्कोर के लिए साउंड ट्रैक एल्बम 22 दिसंबर को म्यूजिक धारा जारी किया गया था अक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम किंगरोन ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह अकुआमैन 2018 की अगली कड़ी है और डीसी यूनिवर्स में पंद्रहवीं फिल्म और अंतिम किस्त है फिल्म का निर्देशन डेविड लेस्टली जॉनसन मैगोलिन की पटकथा से जेम्स वान ने किया था और जेसन मोमो ने आर्थर करी एक्वामैन की भूमिका निभाई थी साथ में पैट्रिक विल्सन एम्बर हॉर्ड या अब्दुल मतीन रैंडल पार्क डॉल्फ लुडग्रेन टेमुएरा मारिसन मार्टिन थे फिल्म में आर्थर को अपने सौतेले भाई आम विल्सन के साथ मिलकर ब्लैक मंटा को प, अपने परिवार को मारने से रोकने और समुद्र को के खोए हुए सातवें साम्राज्य की खोज करते समय दुनिया को गर्म करने के लिए शापित ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करने से रोकने के लिए काम करना होगा मोमोआ ने पहले फिल्म के निर्माण के दौरान एक्वामैन सीक्वल के लिए एक कहानी पेश की वन सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे लेकिन जनवरी 2019 में विकास की देखरेख के लिए सहमत हुए जॉनसन मैगोल्ड्री ने एक महीने बाद पटकथा लेखन के लिए रूप में वापसी के लिए हस्ताक्षर किए और वान के अगस्त 2020 में निर्देशक के रूप में लौटने की पुष्टि की गई उन्होंने कहा कि फिल्म अक्वामैन के विश्व निर्माण पर विस्तार करेगी और जून 2021 में अगली कड़ी के निर्देशक की घोषणा की फिल्मांकन शुरू हुआ महीने के अंत में और जनवरी के 2022 में यूनाइटेड किंगडम हवाई लॉन्स एंजिल लॉस एंजिल्स और जर्सी में न्यूजीलैंड में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ समाप्त हुआ 205 से 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच उत्पादन बजट के साथ यह अब तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक है अकुआ मैन एंड द लॉस किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को ग्रो लॉस एंजलिस में एक प्रशंसक कार्यक्रम में हुआ और 22 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में तीन मिलियन डॉलर की कमाई की है अकुआ मैन एंड द लॉस किंगडम का प्रीमियर उन्नीस दिसंबर दो को लॉस एंजलिस के ग्रो एट फार्मर्स मार्केट में एक फैन इवेंट स्क्रीनिंग में हुआ हॉलीवुड रिपोर्टर के कीट ने रेड कारपेट इवेंट और आफ्टर पार्टी नहीं करने के लिए यह नोट किया था, जिसमें वान और मोमोआ ने ब्लू कारपेट फोटोकॉल और छोटे पैमाने के प्रशंसक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के बाद भाग लिया था लंदन बेजिंग और लॉस एंजलिस फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दि, दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों के अलावा आई मैक्स और फोर में इसे मूल रूप से सोलह दिसंबर दो को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन इसे 17 मार्च दो को स्थगित कर दिया गया जब वार्नर ब्रदर्स ने दृश्य प्रभाव विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया इसके बाद इसे 25 दिसंबर दो तक के ज, जाया गया जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी मार्केटिंग और वितरण लागत को फैलाने की कोशिश कर रही है थी 20 दिसंबर को आगे बढ़ने से पहले और फिर इसे दो दिन आगे बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया 7 जनवरी 2024 तक एक्वा मैन एंड द लॉस्ट किंगडम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 100 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में दो मिलियन डॉलर यानी दुनिया भर में कुल तीन मिलियन डॉलर की कमाई की है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एकवमैन एंड द लॉस्ट किंगडम को आइग्रेशन माइग्रेशन एनी बोर्ट, बोर्ट यू और द वायरल कलाम के साथ रिलीज किया गया था और इसके चार दिवसीय शुरुआती सप्ताह में लगभग 40 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था फिल्म ने अपने पहले दिन 13.7 मिलियन डॉलर कमाए जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से 4.5 मिलियन डॉलर भी शामिल थे इसने 27.5 मिलियन डॉलर का के शुरुआत के सप्ताह हासिल किया जो डी का चौथा सबसे कम और उन फिल्मों में दूसरा सबसे कम था जो कोविड नाइन्टीन महामारी से अप्रभावित थी इसके बाद क्रिसमस के दिन इसने 10.6 मिलियन डॉलर कमाए चार दिनों में कुल अड़तीस मिलियन कमाए अपने दूसरे सप्ताह में फिल्म ने 19.5 मिलियन डॉलर की कमाई की जो 30 परसेंट की गिरावट थी और बॉक्स ऑफिस पर वो का के बाद दूसरे स्थान पर रही फिल्म को समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षा मिली समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रूट एन टोमेटो पर एक आलोचकों में से पैंतीस परसेंट समीक्षा सकारात्मक है जिसकी औसत रेटिंग फोर आउट ऑफ टेन है वेबसाइट को की सर्वसम्मति में लिखा है जेसन मोमोआ एक संस सक्षम और प्रतिबद्ध अग्रवनी व्यक्ति बने हुए हैं लेकिन यहाँ तक कि डीसी सी कट्टरपंथियों को भी लग सकता है कि एक्वामैन और द लॉस किंगडम परिचित जल से जुड़े हुए हैं मेटाक्रिटिक जो एक भारित औसत का उपयोग करता है ने बयालीस आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से बयालीस का स्कोर दिया जो मिक्सिस या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया जो बैटमैन बना सुपर सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस डाउन ऑफ जस्टिस और द फ्लैश के साथ डी यू के सबसे निचले स्तर के बराबर था जबकि ट्रैक ने 69 परसेंट फिल्म देखने वालों की रिपोर्ट दी इसे सकारात्मक अंक दिया 50 परसेंट ने कहा कि वे निश्चित रूप से फिल्म की अनुशंसा करेंगे प्रारंभिक समीक्षाएं जिन्हें काफी हद तक नकारात्मक बताया गया फिल्म की सामग्री और निष्पादन से समग्र निराशा के बावजूद मोमोआ और विल्सन के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई द गार्जियन के लिए लिखते हुए पीटर ब्रेडर्स ने फिल्म को एक सितारा समीक्षा देते हुए कहा कि जहां पहली एक वैन फिल्म काफ़ी मुसीबत में थी अब हमारे पास एक भयानक सीक्वल है द इंडिपेंडेंट के क्लेयर लाफ्रे ने फिल्म को एक स्टार देते हुए इसे बुद्धिमान फ्रेंचाइजी फिल्मों की दूसरी गैलरी में नवीनतम प्रविष्टि और डी की विरासत पर एक गंभीर अभियोग कहा बीबीसी के लिए लिखते हुए निकोलस बार्बर ने एक दो सितारा समीक्षा दी जिसमें कहा गया कि कैसे एकमात्र अभिनेता जो खुद का आनंद ले रहा है वह मुमुआ है और फिल्म के क्रूर संपादन पर टिप्पणी की जो हर संभावित तरीके से आगे बढ़ता है मोन्टास और ओवर के धुंधलेपन में प्रमुख घटना रोलिंग स्टोर के डेविड फियर ने फिल्म को एक ताना वाला गड़बड़ कहा जो वीएपेक्स से घिरा हुआ था जो वीडियो गेम कट सीन से लेकर आखिरी मिनट की भीड़ वाली नौकरी तक जटिल लेकिन अजीब तरह से पतली कहानी और बेहद आक्रमण न्यूडिंग तक फैली हुई थी यहाँ तक कि डीसी के कट्टरपंथियों को भी यह उनके स्वाद के हिसाब से थोड़ा ज्यादा भरा हुआ लगा सकता है सीएनएन के ब्रायन लोरी ने कहा कि फिल्म में खोज और विश्व निर्माण की भावना का अभाव है जिसने मूल को संचालित किया उन्हें उन्होंने आगे कहा ताजे पानी के दुश्मन की अनुपस्थिति अलग अलग समस्याएं पैदा करती है करने यह फिल्म अपने पूर्ववर्ती न्यूयॉर्क टाइम्स के में एलिसा विल्किसन और गेम स्पॉट में फिल्म फिल ओवेल ने सराहना की विल्किसन ने उन्हें दशकों से देखी जाने वाली पेंट बॉय नंबर सुपर हीरो फिल्म से परे फिल्म बनाने का श्रेय दिया एवी क्लब में के मैथ्यू जैक्सन ने इसे बी ग्रेड देते हुए कहा इस तरह की फिल्म जो मैदान पर अपना सब कुछ छोड़ देता, देना चाहती है और जो एक गतिशील बिखरी हुई लेकिन फिर भी मनोरंजक पैदा करती है पॉपकॉर्न फिल्म जो वास्तव में हमें वह सब कुछ देती है जो उसके पास है और फिर कुछ कॉमन सोश मीडिया के तारा मैकना ने इसे पाँच में से तीन स्टार देते हुए लिखा इस एक्शन फैंटेसी को गूंगा मजाक के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है आप मदद नहीं कर सकते लेकिन आनंद ले सकते हैं भले ही आपको मस्तिष्क की कोशिकाएं टपकती हुई महसूस हो तु, तुम्हारे का कान दिसंबर 2022 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि वार्नर ब्रदर्स एक्वामैन फिल्म श्रृंखला को समाप्त करने और एक्वामैन एंड द लॉस किंगडम के बाद मोमोआ को चरित्र लोबो के रूप में दोबारा बनाने पर विचार कर रहे थे जनवरी 2023 में मोमोआ ने कहा कि वह हमेशा एक्वामैन रहेंगे लेकिन उन्हें लगा कि वह अन्य पात्रों को भी चित्रित कर सकते थे हैं उस महीने के अंत में डीसी स्टूडियो के स सी गन और शफरान ने कहा कि मोमोआ के लिए डी यू में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने की संभावना है लेकिन एक्वामैन पर कोई निर्णय नहीं किया गया है कोई भी अभिनेता एक से अधिक किरदार नहीं निभाएगा इसलिए यदि उन्होंने मोमोआ को लोबो के रूप में लिया तो वह डी यू में एक्वामैन का किरदार नहीं निभाएंगे गन ने पुष्टि की कि अक्वास्ट किंगडम द फ्लैश के साथ डी की पहली फिल्म सुपरमैन लिगेसी 2025 का नेतृत्व करेंगे सितंबर 2023 में गन ने स्पष्ट किया कि 2024 में डीसीयू के लिए पहली परियोजनाओं से पहले जारी किया गया कोई भी डीसी मीडिया उस फ्रेंचाइजी के लिए कैनन नहीं होगा जिससे टिप्पणीकारों ने आगे बढ़ने की संभावित निरंतरता की संभावना पर सवाल उठाया वान ने कहा कि द लॉस्ट किंगडम एक सीक्वल स्थापित करने में मदद करेगा और एक लंबे ब्रेक के बाद इसे निर्देशित करने में रुचि व्यक्त की अगले महीने वेराइटी ने बताया कि जैक स्नाइडर के डीसीयू में मुख्य कलाकारों में से कोई भी डी में अपनी भूमिका दोबारा नहीं निभाएगा जिसमें एक्वामैन के रूप में मोमोआ भी शामिल है हालांकि मोमोआ कथित तौर पर सुपरमैन लिगेसिया इस किरदार के लिए एक एकल फिल्म में लोबो का किरदार निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे दिसंबर 2023 में द लॉस किंगडम की रिलीज से पहले मोमोआ ने कहा कि एक्वामैन का किरदार निभाने का उनका आखिरी मौका हो सकता है उन्होंने बताया कि अगर फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया तो इसका सीक्वल संभव हो सकता है लेकिन उन्हें लगा कि यह नहीं है भूमिका को दोहराने के लिए वह बहुत अच्छे लग रहे हैं अभिनेता ने कहा कि उनके पास इस किरदार के लिए बहुत सारे विचार हैं और उन्होंने संकेत दिया कि एक्वामैन के बेटे आर्थर जूनियर जैसे एक युवा चरित्र को संभावित तीसरी एक्वामैन फिल्म में दिखाया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा कि एक्वामैन के रूप में उनकी जगह किसी दूसरे अभिनेता को नहीं लिया जाएगा शफरान ने उस समय कहा था कि मोमोआ का डीसी में हमेशा एक घर रहेगा और हम देखेंगे कि इस फिल्म के बाद उसके साथ क्या होता है एक्वामैन 2018 के निर्माण के दौरान स्टार जेसन मोमोआ ने सीक्वल के लिए एक कहानी पिच विकसित की जो उन्होंने वार्नर ब्रदर्स फिक्सर्स ग्रुप के अध्यक्ष टोबी एमेरी अमेरिच और निर्माता पीटर को दी। अक्टूबर 2018 में फिल्म के रिलीज से पहले ममुआ ने कहा कि वह संभावित सीक्वल के विकास में अधिक शामिल होंगे और 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद है निर्देशक जेम्स वान ने कहा कि ऐसी कई कहानियां हैं जो एक से सामने आ सकती है साथ ही उस फिल्म का परिचय दिया कि पानी के नीचे का राज्य जिन अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है ने को उसकी भागीदारी के लिए पंद्रह मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया था एमेरी अमेरी को दिसंबर की शुरुआत में फिल्म के सीक्वल पर चर्चा शुरू करने के लिए बॉक्स ऑफिस अनुमानों पर पर्याप्त भरोसा था जनवरी 2019 के अंत तक जब एक्वामैन एकल डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए तैयार थी वानर ब्रदर्स संभावित सीक्वल के विकास और लेखन की देखरेख के लिए वान के साथ बातचीत कर रहे थे निर्देशक के रूप में वापसी डेडलाइन हॉलीवुड के जोफ बाउचर ने कहा कि वह वा, वान अपनी पिछली फिल्मों इंसिडियन 2010 और द कंज्यूरिंग 2013 के सीक्वल को लेकर बहुत सुरक्षात्मक थे और उन्होंने एक्वामैन के विश्व निर्माण में गहरा निवेश किया था वान ने पहले एक्वामैन की दूसरी दुनिया की तुलना अन्य काल्पनिक दुनियाओं जैसे मध्य पृथ्वी स्टार वार्स आकाशगंगा और विजार्डिंग वर्ल्ड से की थी फरवरी 2019 की शुरुआत में वार्नर ब्रदर्स ने द ट्रे नामक एक्वामैन स्पिन ऑफ़ फिल्म की पटकथा लिखने के लिए नोआ गार्डन और एडन फिट गराल्ड को काम पर रखा जो पहली फिल्म में पेश किए गए राज्यों में से एक पर आधारित थी उम्मीद थी कि इसका बजट छोटा होगा और इसमें एक्वामैन के मुख्य कलाकार शामिल नहीं होंगे जबकि वान और सफरान इसका निर्माण कर रहे होंगे द हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरी स्टीट ने तब रिपोर्ट दी थी कि स्टूडियो वान और मोमोआ के बीच एक्वामैनस के सीधे सीक्वल के बारे में अभी तक गंभीर चर्चा नहीं हुई थी क्योंकि वे पहले शौच लेना चाहते थे लेकिन कई दिनों बाद उन्होंने बताया कि पहली फिल्म के लेखन और अक्सर वाहन सहयोग डेविड लेस्ली धारा पटकथा लेखने के लिए हस्ताक्षर करने के साथ अगली कड़ी पर सक्रिय विकास चल रहा था वान और शफरान सीक्वल का निर्माण कर रहे थे हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि वान इसका निर्देशन करेंगे या नहीं फरवरी के अंत में वार्नर ब्रदर्स ने एक्वामैन 2 को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया अगले महीने शफरान ने बताया कि वह वा और वान सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और वार्नर ब्रदर्स ने ऐसा किया था इसका समर्थन करते हुए यही वजह है कि फिल्म के रिलीज पहली फिल्म के चार साल बाद निर्धारित की गई थी उन्होंने कहा कि वे एक्वामैन फ्रेंचाइजी को कंज्यूरिंग यूनिवर्स की तरह ही देख रहे थे जिसमें द ट्रेंच जैसे स्पिन ऑफ में एक्वामैन अभिनीत मदरशिप फिल्मों के साथ साथ पानी के नीचे के राज्यों के बारे में कहानियों की खोज की गई थी सफरन ने कहा कि वन सात राज्यों में से प्रत्येक की वास्तुकला शस्त्रगार सेना रूप अनुभव सामान्य माहौल को जान, जानता था और भविष्य की परियोजनाओं में उन सभी का पता लगाना चाहता था वान और विल्सन ने अगस्त 2020 में वर्चुअल डीसी फैंडोम इवेंट में एक पैनल में फिल्म की योजना को छेड़ा एक साल बाद डीसी फैंडोम 2021 में अवधारणा कला और फिल्मांकन से पर्दे के पीछे के फुटेज सामने आए फरवरी 2022 में फिल्म का पहला फुटेज वार्नर ब्रदर्स के टीजर के हिस्से के रूप में जारी किया गया था डीसी फिल्मों की 2022 हज़ार बाईस जिसमें द बैटमैन ब्लैक एडम और द फ्लैश भी शामिल है एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम और द फ्लैश से पहले अगले महीने 2023 तक विलंबित हो गए थे वान ने वार्नर ब्रदर्स में फिल्म का प्रचार किया अप्रैल 2022 में सिनेमा कॉन पैनल मोमोआ के रिकॉर्ड किए गए संदेश के साथ साथ फिल्म के कुछ संक्षिप्त फुटेज दिखा रहा है जब अगस्त में इसकी रिलीज की तारीख में देरी हुई तो उन्होंने फिल्म के लिए और अधिक अवधारणा कला का खुलासा किया पहला ट्रेलर वार्नर ब्रदर्स के दौरान प्रदर्शित किया गया था अप्रैल 2023 में सिनेमा कॉन पैनल अन्य फुटेज के बीच और, और, और आर्म के बीच दिखा रहा है कोलाइडर के स्टीव वेन्ट्रॉब ने कहा कि फुटेज बड़े पैमाने पर दिखा रहा है और इसमें कई एक्शन दृश्य दिखाए गए हैं पहला नाटकीय ट्रेलर चौदह दिसंबर दो को जारी किया गया था आइडल व्यूज सेफ हाउस ने वार्नल ब्लडर्स पिक्चर्स के सहयोग से एक एक्वाटाई परपेचुअल कैलेंडर डिजिटल डेट मंथ डाइविंग घड़ी जारी की जो अब्दुल मतीन धारा पहली की पहली गई घड़ियों से प्रेरित है रूपॉ ग्रेगसन विलियम्स ने अगस्त 2021 में खुलासा किया कि वह पहली फिल्म और डीसी की वंडर वुमन 2017 के लिए ऐसा करने के बाद अगली कड़ी के लिए स्कोर बनाने के लिए लौट रहे थे। गाना डिप एंड एक्शन इवेंडर धारा प्रस्तुत किया गया था और 17 नवंबर 2023 को एकल के रूप में जारी किया गया था ग्रेगसन विलियम्स के स्कोर के लिए साउंड एल्बम बाईस दिसंबर को म्यूजिक धारा जारी किया गया था अक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम 2023 के अमेरिकी सुपर फिल्म है जो डीसी चरित्र अक्वामैन पर आधारित है डीसी स्टूडियोज एंटामिक मास्टर्स और सफरान कंपनी द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह अक्वामैन 2018 की अगली कड़ी है और डीसी यूनिवर्स में पंद्रहवीं फिल्म और अंतिम किस्त है फिल्म का निर्देशन डेविड लेस्टली जॉनसन मैग गोल्ड्रीन की पटकथा से जेम्स वान ने किया था और जेसन मोमो ने आर्थर करी एक्वामैन की भूमिका निभाई थी साथ में पैट्रिक विल्सन एम्बर हार्ड या अब्दुल मतीन रैंडल पार्क डॉल्फ लुडग्रेन टेमुएरा मारिसन मार्टिन थे फिल्म में आर्थर को अपने सौतेले भाई आम विल्सन के साथ मिलकर ब्लैक मंटा को प, अपने परिवार को मारने से रोकने और समुद्र को के खोए हुए सातवें साम्राज्य की खोज करते समय दुनिया को गर्म करने के लिए शापित ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करने से रोकने के लिए काम करना होगा मोमोआ ने पहली फिल्म के निर्माण के दौरान एक्वामैन सीक्वल के लिए एक कहानी पेश की वन सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे लेकिन जनवरी 2019 में विकास की देखरेख के लिए सहमत हुए जॉनसन मैगोल्ड्री ने एक महीने बाद पटकथा लेखन के लिए रूप में वापसी के लिए हस्ताक्षर किए और वान के अगस्त 2020 में निर्देशक के रूप में लौटने की पुष्टि की गई उन्होंने कहा कि फिल्म एक्वामैन के विश्व निर्माण पर विस्तार करेगी और जून 2021 में अगली कड़ी के निर्देशक की घोषणा की फिल्मांकन शुरू हुआ महीने के अंत में और जनवरी के 2022 में यूनाइटेड किंगडम हवाई लॉन्स एंजिल लॉस एंजिल्स और न्यू जर्सी में न्यूजीलैंड में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ समाप्त हुआ 205 से 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच उत्पादन बजट के साथ यह अब तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक है अकुआ मैन एंड द लॉस्ट किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को ग्रो लॉस एंजलिस में एक प्रशंसक कार्यक्रम में हुआ और 22 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में तीन मिलियन डॉलर की कमाई की है अक्वा एंड द लॉस किंगडम का प्रीमियर उन्नीस दिसंबर 2023 को लॉस एंजलिस के ग्रो एट फार्मर्स मार्केट में एक फैन इवेंट स्क्रीनिंग में हुआ द हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस कीट ने रेड कारपेट इवेंट और आफ्टर पार्टी नहीं करने के लिए यह नोट किया था जिसमें वान और मोमोआ ने ब्लू कारपेट प्रोटोकॉल और छोटे पैमाने के प्रशंसक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के बाद भाग लिया था लंदन बेजिंग और लॉस एंजलिस फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दि दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों के अलावा आई मैक्स और फोर में इसे मूल रूप से सोलह दिसंबर दो को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन इसे 17 मार्च दो को स्थगित कर दिया गया जब वार्नर ब्रदर्स ने दृश्य प्रभाव विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया इसके बाद इसे 25 दिसंबर दो तक किया जाया गया जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी मार्केटिंग और वितरण लागत को फैलाने की कोशिश कर रही है थी 20 दिसंबर को आगे बढ़ने से पहले और फिर इसे दो दिन आगे बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया 7 जनवरी 2024 तक एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 100 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में दो मिलियन डॉलर यानी दुनिया भर में कुल तीन मिलियन डॉलर की कमाई की है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक्वैन एंड द लॉस्ट किंगडम को आइग्रेशन माइग्रेशन एनी बर्ट बर्ट यू और द वायरल कलाम के साथ रिलीज किया गया था और इसके चार दिवसीय शुरुआती सप्ताह में लगभग 40 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था फिल्म ने अपने पहले दिन थ्री थर्टीन पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर कमाए जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से फोर पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर भी शामिल थे इसने सत्ताईस पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का पारंपरिक शुरुआत के सप्ताह हासिल किया जो डी का चौथा सबसे कम और उन फिल्मों में दूसरा सबसे कम था जो कोविड नाइन्टीन महामारी से अप्रभावित थी इसके बाद क्रिसमस के दिन इसने 10.6 मिलियन डॉलर कमाए चार दिनों में कुल अड़तीस मिलियन कमाए अपने दूसरे सप्ताह में फिल्म ने 19.5 मिलियन डॉलर की कमाई की जो 30% परसेंट की गिरावट थी और बॉक्स ऑफिस पर वो का के बाद दूसरे स्थान पर रही फिल्म को समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षा मिली समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट वेब रूटेन टोमेटोस पर एक आलोचकों में से 35 परसेंट सकारात्मक है जिसकी औसत रेटिंग 4.9 आउट ऑफ टेन है वेबसाइट को की सर्वसम्मति में लिखा है जेसन मोमोआ एक संक्षप्त सक्षम और प्रतिबद्ध अग्रवणी व्यक्ति बने हुए हैं लेकिन यहां तक कि डीसी कट्टरपंथियों को भी लग सकता है कि एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम परिचित जल से जुड़े हुए हैं मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने बयालीस आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से बयालीस का स्कोर दिया जो मिक्सिस या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है सिनेमा स्कोर धारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया जो बैटमैन बना सुपर हीरो सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस डाउन ऑफ जस्टिस और द फ्लैश के साथ डी के सबसे निचले स्तर के बराबर था जबकि ट्रैक ने 69 परसेंट फिल्म देखने वालों की रिपोर्ट दी इसे सकारात्मक अंक दिया 50 परसेंट ने कहा कि वे निश्चित रूप से फिल्म की अनुशंसा करेंगे प्रारंभिक समीक्षाएं जिन्हें काफ़ी हद तक नकारात्मक बताया गया फिल्म की सामग्री और निष्पादन से समग्र निराशा के बावजूद ममुआ और विल्सन के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई द गार्जियन के लिए लिखते हुए पीटर ब्रेडर्स ने फिल्म को एक सितारा समीक्षा देते हुए कहा कि जहां पहली एक वैन फिल्म काफ़ी मुसीबत में थी अब हमारे पास एक भयानक सीक्वल है द इंडिपेंडेंट के क्लेयर लाफ्रे ने फिल्म को एक स्टार देते हुए इसे बुद्धिमान फ्रेंचाइजी फिल्मों की दूसरी गैलरी में नवीनतम प्रविष्टि और डीसीयू की विरासत पर एक गंभीर अभियोग कहा बीबीसी के लिए लिखते हुए निकोलस बार्बर ने एक दो सितारा समीक्षा दी जिसमें कहा गया कि कैसे एकमात्र अभिनेता जो खुद का आनंद ले रहा है वह मुमुआ है और फिल्म के क्रूर संपादन पर टिप्पणी की जो हर संभावित तरीके से आगे बढ़ता है टास और ओवर के धुंधलेपन में प्रमुख घटना रोलिंग स्टोर के डेविड फियर ने फिल्म को एक ताना वाला गड़बड़ कहा जो वीएपेस से घिरा हुआ था जो वीडियो गेम कट सीन से लेकर आखिरी मिनट की भीड़ वाली नौकरी तक जटिल लेकिन अजीब तरह से पतली कहानी और बेहद आक्रमण रिवन्यूडिंग तक फैली हुई थी तक कि डीसी के कट्टरपंथियों को भी उनके स्वाद के हिसाब से थोड़ा ज्यादा भरा हुआ लगा सकता है। सीएनएन के ब्रायन लोरी ने कहा कि फिल्म में खोज और विश्व निर्माण की भावना का अभाव है जिसने मूल को संचालित किया उन्हें उन्होंने आगे कहा ताजे पा, पानी के दुश्मन की अनुपस्थिति अलग अलग समस्याएं पैदा करती है भेद करने के लिए नए तत्वों की कमी है यह फिल्म अपने पूर्ववर्ती से बेहतर है वान के निर्देशक की द न्यूयॉर्क टाइम्स में एलिसा विल्किसन और गेम स्पॉट में फिल्म ओवेल फिल ने सराहना की विल्किसन ने उन्हें दशकों से देखी जाने वाली पेंट बॉय नंबर सुपर हीरो क्लब में के मैथ्यू जैक्सन ने इसे बी ग्रेड देते हुए कहा इस तरह की फिल्म जो मैदान पर अपना सब कुछ छोड़ देता देना चाहती है और जो एक गतिशील अक्सर बिखरी हुई लेकिन फिर भी मनोरंजक पैदा करती है पॉपकॉर्न फिल्म जो वास्तव में हमें वह सब कुछ देती है जो उसके पास है और फिर कुछ कॉमन शेष मीडियन के तारा मैकनामा ने इसे पाँच में से तीन स्टार देते हुए लिखा इस एक्शन फैंटेसी को गूंगा मजा के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है आप मदद नहीं कर सकते लेकिन आनंद ले सकते हैं भले ही आपको मस्तिष्क की कोशिकाएं हुई महसूस हो तु, तुम्हारे का कान। दिसंबर 2022 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि वार्नर ब्रदर्स एक्वामैन फिल्म श्रृंखला को समाप्त करने और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बाद मोमोआ को चरित्र लोबो के रूप में दोबारा बनाने पर विचार कर रहे थे जनवरी 2023 में मोमुआ ने कहा कि वह हमेशा एक्वामैन रहेंगे लेकिन उन्हें लगा कि वह अन्य पात्रों को भी चित्रित कर सकते थे हैं उस महीने के अंत में डीसी स्टूडियो के स सीईओ गन और शफरान ने कहा कि ममुआ के लिए डी यू में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने की संभावना है लेकिन एक्वामैन पर कोई निर्णय नहीं किया गया है कोई भी अभिनेता एक से अधिक किरदार नहीं निभाएगा इसलिए यदि उन्होंने मोमवा को लोबो के रूप में लिया तो वह डीसीयू में एक्वामैन का किरदार नहीं निभाएंगे गन ने पुष्टि की कि एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम द फ्लैश के साथ डीसीयू की पहली फिल्म सुपरमैन दो 2025 का नेतृत्व करेंगे सितंबर 2023 में गन ने स्पष्ट किया कि 2024 में के लिए पहली परियोजनाओं से पहले जारी किया गया कोई भी डीसी मीडिया उस फ्रेंचाइजी के लिए कैनन नहीं होगा जिससे टिप्पणीकारों ने आगे बढ़ने की संभावित निरंतरता की संभावना पर सवाल उठाया वान ने कहा कि द लॉस्ट किंगडम एक सीक्वल स्थापित करने में मदद करेगा और एक लंबे ब्रेक के बाद इसे निर्देशित करने में रुचि व्यक्त की अगले महीने वेराइटी ने बताया कि जैक स्नाइडर के डीसीयू में मुख्य कलाकारों में से कोई भी डीसीयू में अपनी भूमिका दोबारा नहीं निभाएगा जिसमें एक्वामैन के रूप में ममवा भी शामिल है हालांकि ममोआ कथित तौर पर सुपरमैन या इस किरदार के लिए एक एकल फिल्म में लोगों का किरदार निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे दिसंबर 2023 में द लॉस किंगडम की रिलीज से पहले मोमुआ ने कहा कि यह का किरदार निभाने का उनका आखिरी मौका हो सकता है उन्होंने बताया कि अगर फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया तो इसका सीक्वल संभव हो सकता है लेकिन उन्हें लगा कि यह नहीं है भूमिका को दोहराने के लिए वो बहुत अच्छे लग रहे हैं अभिनेता ने कहा कि उनके पास इस किरदार के लिए बहुत सारे विचार हैं और उन्होंने संकेत दिया कि एक्वामैन के बेटे आर्थर जूनियर जैसे एक युवा चरित्र को संभावित तीसरी एक्वामैन फिल्म में दिखाया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा कि एक्वामैन के रूप में उनकी जगह किसी दूसरे अभिनेता को नहीं लिया जाएगा शफरान ने उस समय कहा था कि मोमोआ का डीसी में हमेशा एक घर रहेगा और हम देखेंगे कि इस फिल्म के बाद उसके साथ क्या होता है एक्वामैन 2018 के निर्माण के दौरान स्टार जेसन मोमोआ ने सीक्वल के लिए एक कहानी पिच विकसित की जो उन्होंने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप के अध्यक्ष टोबी एमेरी अमेरिच और निर्माता पीटर सफरान को दी अक्टूबर 2018 में फिल्म के रिलीज से पहले ने कहा कि वह संभावित सीक्वल के विकास में अधिक शामिल होंगे और 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद है निर्देशक जेम्स वान ने कहा कि ऐसी कई कहानियां हैं जो एक्मैन से सामने आ सकती है साथ ही उस फिल्म का परिचय दिया कि है पानी के नीचे का राज्य जिन अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है ने को उसकी भागीदारी के लिए पंद्रह मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया था अमेरिक अमेरी चो को दिसंबर की शुरुआत में फिल्म के सीक्वल पर चर्चा शुरू करने के लिए बॉक्स ऑफिस अनुमानों पर पर्याप्त भरोसा था जनवरी 2019 के अंत तक जब एक्वामैन एकल डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए तैयार थी वार्नर ब्रदर्स संभावित सीक्वल के विकास और लेखन की देखरेख के लिए वान के साथ बातचीत कर रहे थे निर्देशक के रूप में वापसी डेडलाइन हॉलीवुड के जोह बाउचर ने कहा कि वह वा, वान अपनी पिछली फिल्मों इंसिडियन 2010 और द कंज्यूरिंग 2013 के सीक्वल को लेकर बहुत सुरक्षात्मक थे और उन्होंने एक्वामैन के विश्व निर्माण में गहरा निवेश किया था वान ने पहले एक्वामैन की दूसरी दुनिया की तुलना अन्य काल्पनिक दुनियाओं जैसे मध्य पृथ्वी स्टार वार्स आकाशगंगा और विजार्डिंग वर्ल्ड से की थी फरवरी 2019 की शुरुआत में वार्नर ब्रदर्स ने द ट्रे, ट्रेंच नामक एक्वामैन स्पिन फिल्म की पटकथा लिखने के लिए नोआ गार्डन और एडन फीट गेराल्ड को काम पर रखा जो पहली फिल्म में पेश किए गए राज्यों में से एक पर आधारित थी उम्मीद थी कि इसका बजट छोटा होगा और इसमें एक्वामैन के मुख्य कलाकार शामिल नहीं होंगे जबकि वान और सफरान इसका निर्माण कर रहे होंगे द हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस कीट ने तब रिपोर्ट दी थी कि स्टूडियो वान और मोमोआ के बीच एक्वामैनस के सीधे सीक्वल के बारे में अभी तक गंभीर चर्चा नहीं हुई थी क्योंकि वे पहले शौच लेना चाहते थे लेकिन कई दिनों बाद उन्होंने बताया कि पहली फिल्म के लेखन और अक्सर वाहन सहयोग डेविड लेस्ली द्वारा पटकथा लेखने के लिए हस्ताक्षर करने के साथ अगली कड़ी पर सक्रिय विकास चल रहा था वान और शफरान सीक्वल का निर्माण कर रहे थे हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि वान इसका निर्देशन करेंगे या नहीं फरवरी के अंत में वार्नर ब्रदर्स ने एक्वामैन 2 को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया अगले महीने शफरान ने बताया कि वह वा और वान सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और वार्नर ब्रदर्स ने ऐसा किया था इसका समर्थन करते हुए यही वजह है कि फिल्म के रिलीज पहली फिल्म के चार साल बाद निर्धारित की गई थी उन्होंने कहा कि वे एक्वामैन फ्रेंचाइजी को कंज्यूरिंग यूनिवर्स की तरह ही देख रहे थे जिसमें द ट्रेंच जैसे स्पिन ऑफ में एक्वामैन अभिनीत मदरशिप फिल्मों के साथ साथ पानी के नीचे के राज्यों के बारे में कहानियों की खोज की गई थी सफरॉन ने कहा कि वन सात राज्यों में से प्रत्येक की वास्तुकला शस्त्रगार सेना रूप अनुभव सामान्य माहौल को जान, जानता था और भविष्य की परियोजनाओं में उन सभी का पता लगाना चाहता था वान और विल्सन ने अगस्त 2020 में वर्चुअल डीसी फैंडोम इवेंट में एक पैनल में फिल्म की योजना को छेड़ा एक साल बाद डीसी फैंडोम 2021 में अवधारणा कला और फिल्मांकन से पर्दे के पीछे के फुटेज सामने आए फरवरी 2022 में फिल्म का पहला फुटेज वार्नर ब्रदर्स के टीजर के हिस्से के रूप में जारी किया गया था डीसी फिल्मों की 2022 हज़ार बाईस जिसमें द बैटमैन ब्लैक एडम और द फ्लैश भी शामिल है एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम और द फ्लैश से पहले अगले महीने 2023 तक विलंबित हो गए थे वान ने वार्नर ब्रदर्स में फिल्म का प्रचार किया अप्रैल 2022 में सिनेमा कॉन पैनल मोमोआ के रिकॉर्ड किए गए संदेश के साथ साथ फिल्म के कुछ संक्षिप्त फुटेज दिखा रहा है जब अगस्त में इसकी रिलीज की तारीख में देरी हुई तो उन्होंने फिल्म के लिए और अधिक अवधारणा कला का खुलासा किया पहला ट्रेलर वार्नर के दौरान प्रदर्शित किया गया था अप्रैल 2023 में सिनेमा कॉन पैनल अन्य फुटेज के बीच और, और, और आर्म के बीच दिखा रहा है कोलाइडर के स्टीव वेन्ट्रॉब ने कहा कि फुटेज बड़े पैमाने पर दिखा रहा है और इसमें कई एक्शन दृश्य दिखाए गए हैं पहला नाटकीय ट्रेलर चौदह दिसंबर दो को जारी किया गया था आइडल व्यूज सेफ हाउस ने वार्नल ब्लडर्स पिक्चर्स के सहयोग से एक एक्वाटाई परपेचुअल कैलेंडर डिजिटल डेट मंथ डाइविंग घड़ी जारी की जो अब्दुल मतीन धारा पहली की पहली गई घड़ियों से प्रेरित है रूपॉ ग्रेगसन विलियम्स ने अगस्त 2021 में खुलासा किया कि वह पहली फिल्म और डीसी की वंडर वुमन 2017 के लिए ऐसा करने के बाद अगली कड़ी के लिए स्कोर बनाने के लिए लौट रहे थे। गाना डिप एंड एक्शन इवेंडर धारा प्रस्तुत किया गया था और 17 नवंबर 2023 को एकल के रूप में जारी किया गया था ग्रेगसन विलियम्स के स्कोर के लिए साउंड एल्बम बाईस दिसंबर को म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था अक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम दो फिल्म है, जो डीसी चरित्र अक्वामैन पर आधारित है डीसी स्टूडियोज एंटामिक मास्टर्स और सफरान कंपनी द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह अकुआमैन दो हजार की अगली कड़ी है और डीसी यूनिवर्स में पंद्रहवीं फिल्म और अंतिम किस्त है फिल्म का निर्देशन डेविड लेस्टली जॉनसन गोल्डरिन की पटकथा से जेम्स वान ने किया था और जेसन आर्थर करी एक्वामैन की भूमिका निभाई थी साथ में पैट्रिक विल्सन एम्बर अब्दुल मतीन रॉन्डेल पार्क डॉल्फ लुडग्रेन टेमुएरा मारिसन मार्टिन थे फिल्म में आर्थर को अपने सौतेले भाई विल्सन के साथ मिलकर ब्लैक मे को प, अपने परिवार को मारने से रोकने और समुद्र को के खोए हुए सातवें साम्राज्य की खोज करते समय दुनिया को गर्म करने के लिए शापित ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करने से रोकने के लिए काम करना होगा मोमोआ ने पहली फिल्म के निर्माण के दौरान एक्वामैन सीक्वल के लिए एक कहानी पेश की वन सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे लेकिन जनवरी 2019 में विकास की देखरेख के लिए सहमत हुए जॉनसन मैकगोल ने एक महीने बाद पटकथा लेखन के लिए रूप में वापसी के लिए हस्ताक्षर किए और वन के अगस्त 2020 में निर्देशक के रूप में लौटने की पुष्टि की गई उन्होंने कहा कि फिल्म अकवामैन के विश्व निर्माण पर विस्तार करेगी और जून 2021 में अगली कड़ी के शीर्षक की घोषणा की फिल्मांकन शुरू हुआ महीने के अंत में और जनवरी के 2022 में यूनाइटेड किंगडम हवाई लॉन्स एंजिल लॉस एंजिलस और न्यू जर्सी में न्यूजीलैंड में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ समाप्त हुआ 205 से 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच उत्पादन बजट के साथ यह अब तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक है अकुआ मैन एंड द लॉस्ट किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को ग्रो, लॉस एंजलिस में एक प्रशंसक कार्यक्रम में हुआ और 22 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में तीन मिलियन डॉलर की कमाई की है अक्वा एंड द लॉस किंगडम का प्रीमियर उन्नीस दिसंबर 2023 को लॉस एंजलिस के ग्रो एट फार्मर्स मार्केट में एक फैन इवेंट स्क्रीनिंग में हुआ द हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस कीट ने रेड कारपेट इवेंट और आफ्टर पार्टी नहीं करने के लिए यह नोट किया था जिसमें वान और मोमोआ ने ब्लू कारपेट प्रोटोकॉल और छोटे पैमाने के प्रशंसक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के बाद भाग लिया था लंदन बीजिंग और लॉस एंजलिस फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दि, दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों के अलावा आई मैक्स और फोर में इसे मूल रूप से सोलह दिसंबर दो को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन इसे 17 मार्च दो को स्थगित कर दिया गया जब वार्नर ब्रदर्स ने दृश्य प्रभाव विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया इसके बाद इसे 25 दिसंबर 2023 तक किया गया जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी मार्केटिंग और वितरण लागत को फैलाने की कोशिश कर रही है थी 20 दिसंबर को आगे बढ़ने से पहले और फिर इसे दो दिन आगे बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया 7 जनवरी 2024 तक एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 100 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में दो मिलियन डॉलर यानी दुनिया भर में कुल तीन मिलियन डॉलर की कमाई की है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक्वैन एंड द लॉस्ट किंगडम को आइग्रेशन माइग्रेशन एनी बर्ट बर्ट यू और द वायरल कलाम के साथ रिलीज किया गया था और इसके चार दिवसीय शुरुआती सप्ताह में लगभग 40 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था फिल्म ने अपने पहले दिन थ्री थर्टीन पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर कमाए जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से फोर पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर भी शामिल थे इसने सत्ताईस पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का परापारी के शुरुआत के सप्ताह हासिल किया जो डी का चौथा सबसे कम और उन फिल्मों में दूसरा सबसे कम था जो कोविड नाइन्टीन महामारी से अप्रभावित थी इसके बाद क्रिसमस के दिन इसने 10.6 मिलियन डॉलर कमाए चार दिनों में कुल अड़तीस मिलियन कमाए अपने दूसरे सप्ताह में फिल्म ने 19.5 मिलियन डॉलर की कमाई की जो 30% परसेंट की गिरावट थी और बॉक्स ऑफिस पर वो का के बाद दूसरे स्थान पर रही फिल्म को समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षा मिली समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट वेब रूट टोमेटोस पर एक आलोचकों में से 35 परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिसकी औसत रेटिंग 4.9 आउट ऑफ टेन है वेबसाइट को की सर्वसम्मति में लिखा है जेसन मोमोआ एक संक्षप्त सक्षम और प्रतिबद्ध अग्रवादी व्यक्ति बने हुए हैं लेकिन यहाँ तक कि डीसी सी कट्टरपंथियों को भी लग सकता है कि एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम परिचित जल से जुड़े हुए हैं मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने बयालीस आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से बयालीस का स्कोर दिया जो मिक्स या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है सिनेमा स्कोर धारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया जो बैटमैन बना सुपर हीरो सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस डाउन ऑफ जस्टिस और द फ्लैश के साथ डी के सबसे निचले स्तर के बराबर था जबकि ट्रैक ने 69 परसेंट फिल्म देखने वालों की रिपोर्ट दी इसे सकारात्मक अंक दिया 50 परसेंट ने कहा कि वे निश्चित रूप से फिल्म की अनुशंसा करेंगे प्रारंभिक समीक्षाएं जिन्हें काफ़ी हद तक तो नकारात्मक बताया गया फिल्म की सामग्री और निष्पादन से समग्र निराशा के बावजूद ममुआ और विल्सन के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई द गार्जियन के लिए लिखते हुए पीटर ब्रेडर्स ने फिल्म को एक सितारा समीक्षा देते हुए कहा कि जहां पहली एक वैन फिल्म काफ़ी मुसीबत में थी अब हमारे पास एक भयानक सीक्वल है द इंडिपेंडेंट के क्लेयर लाफ्रे ने फिल्म को एक स्टार देते हुए इसे बुद्धिमान फ्रेंचाइजी फिल्मों की दूसरी गैलरी में नवीनतम प्रविष्टि और डीसीयू की विरासत पर एक गंभीर अभियोग कहा बीबीसी के लिए लिखते हुए निकोलस बार्बर ने एक दो सितारा समीक्षा दी जिसमें कहा गया कि कैसे एकमात्र अभिनेता जो खुद का आनंद ले रहा है वह मुमुआ है और फिल्म के क्रूर संपादन पर टिप्पणी की जो हर संभावित तरीके से आगे बढ़ता है मोन्टास और ओवर के धुंधलेपन में प्रमुख घटना रोलिंग स्टोर के डेविड फियर ने फिल्म को एक ताना वाला गड़बड़ कहा जो वीएपेक् से घिरा हुआ था जो वीडियो गेम कट सीन से लेकर आखिरी मिनट की भीड़ वाली नौकरी तक जटिल लेकिन अजीब तरह से पतली कहानी और बेहद आक्रमण न्यूडिंग तक फैली हुई थी यहां तक कि डीसी के कट्टरपंथियों यह उनके स्वाद के हिसाब से थोड़ा ज्यादा भरा हुआ लगा सकता है। सीएनएन के ब्रायन लोरी ने कहा कि फिल्म में खोज और विश्व निर्माण की भावना का अभाव है जिसने मूल को संचालित किया उन्हें उन्होंने आगे कहा ताजे पा, पानी के दुश्मन की अनुपस्थिति अलग अलग समस्याएं पैदा करती है भेद करने के लिए नए तत्वों की कमी है यह फिल्म अपने पूर्ववर्ती से बेहतर है। वान के निर्देशक की न्यूयॉर्क टाइम्स में एलिसा विल्किसन और गेम स्पॉट में फिल्म फिल ओवेल ने सराहना की विल्किसन ने उन्हें दशकों से देखी जाने वाली पेंट बॉय नंबर सुपर हीरो फिल्म से परे फिल्म बनाने का श्रेय दिया एवी क्लब में के मैथ्यू जैक्सन ने इसे बी ग्रेड देते हुए कहा इस तरह की फिल्म जो जो मैदान पर अपना सब कुछ छोड़ देता, देना चाहती है और जो एक गतिशील बिखरी हुई लेकिन फिर भी मनोरंजक पैदा करती है पॉपकॉर्न फिल्म जो वास्तव में हमें वह सब कुछ देती है जो उसके पास है और फिर कुछ कॉमन शेष मीडिया के तारा मैकना ने इसे पाँच में से तीन स्टार देते हुए लिखा इस एक्शन फैंटेसी को मजाक के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया गया है आप मदद नहीं कर सकते लेकिन आनंद ले सकते हैं भले ही आपको मस्तिष्क की कोशिकाएं टपकती हुई महसूस हो तु, तु, तुम्हारे का कान दिसंबर 2022 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि वार्नर ब्रदर्स एक्वामैन फिल्म श्रृंखला को समाप्त करने और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के बाद मोमोआ को चरित्र लोबो के रूप में दोबारा बनाने पर विचार कर रहे थे जनवरी 2023 में मोमोआ ने कहा कि वह हमेशा एक्वामैन रहेंगे लेकिन उन्हें लगा कि वह अन्य पात्रों को भी चित्रित कर सकते थे हैं उस महीने के अंत में डीसी स्टूडियो के सी सीईओ गन और शफरान ने कहा कि मोमोआ के लिए डी यू में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने की संभावना है लेकिन एक्वामैन पर कोई निर्णय नहीं किया गया है कोई भी अभिनेता एक से अधिक किरदार नहीं निभाएगा इसलिए यदि उन्होंने मोमोआ को लोबो के रूप में लिया तो वह डी यू में एक्वामैन का किरदार नहीं निभाएंगे गन ने पुष्टि की कि अक्वास्ट किंगडम द फ्लैश के साथ डी की पहली फिल्म सुपरमैन लिगेसी 2025 का नेतृत्व करेंगे सितंबर 2023 में गन ने स्पष्ट किया कि 2024 में डीसीयू के लिए पहली परियोजनाओं से पहले जारी किया गया कोई भी डीसी मीडिया उस फ्रेंचाइजी के लिए कैनन नहीं होगा जिससे टिप्पणीकारों ने आगे बढ़ने की संभावित निरंतरता की संभावना पर सवाल उठाया वान ने कहा कि द लॉस्ट किंगडम एक सीक्वल स्थापित करने में मदद करेगा और एक लंबे ब्रेक के बाद इसे निर्देशित करने में रुचि व्यक्त की अगले महीने वैरायटी ने बताया कि जैक स्नाइडर के डीसीयू में मुख्य कलाकारों में से कोई भी डी में अपनी भूमिका दोबारा नहीं निभाएगा जिसमें एक्वामैन के रूप में मोमोआ भी शामिल है हालांकि मोमोआ कथित तौर पर सुपरमैन लिगेसिया इस किरदार के लिए एक एकल फिल्म में लोगों का किरदार निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे दिसंबर 2023 में द लॉस्ट किंगडम की रिलीज से पहले मोमुआ ने कहा कि यह एक्वामैन का किरदार निभाने का उनका आखिरी मौका हो सकता है उन्होंने बताया कि अगर फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया तो इसका सीक्वल संभव हो सकता है लेकिन उन्हें लगा कि यह नहीं है भूमिका को दोहराने के लिए वह बहुत अच्छे लग रहे हैं अभिनेता ने कहा कि उनके पास इस किरदार के लिए बहुत सारे विचार हैं और उन्होंने संकेत दिया कि एक्वामैन के बेटे आर्थर जूनियर जैसे एक युवा चरित्र को संभावित तीसरी एक्वामैन फिल्म में दिखाया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा कि एक्वामैन के रूप में उनकी जगह किसी दूसरे अभिनेता को नहीं लिया जाएगा शफरान ने उस समय कहा था कि मोमोआ का डीसी में हमेशा एक घर रहेगा और हम देखेंगे कि इस फिल्म के बाद उसके साथ क्या होता है एक्वामैन 2018 के निर्माण के दौरान स्टार जेसन मोमोआ ने सीक्वल के लिए एक कहानी पिच विकसित की जो उन्होंने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप के अध्यक्ष टोबी अमेरि अमेरिच और निर्माता पीटर शफरान को दी अक्टूबर 2018 में फिल्म के रिलीज से पहले मोमोआ ने कहा कि वह संभावित सीक्वल के विकास में अधिक शामिल होंगे हुं, और 2019 में फिल्मांकन शुरू होने की उम्मीद है निर्देशक जेम्स वान ने कहा कि ऐसी कई कहानियां हैं जो एक वैन से सामने आ सकती है साथ ही उस फिल्म का परिचय दिया कि है सात पानी के नीचे का राज्य जिन्हें अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है मोमोआ ने को उसकी भागीदारी के लिए पंद्रह मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया था ए मेरी... अमेरी को दिसंबर की शुरुआत में फिल्म के सीक्वल पर चर्चा शुरू करने के लिए बॉक्स ऑफिस अनुमानों पर पर्याप्त भरोसा था जनवरी 2019 के अंत तक जब एक्वामैन एकल डीसी कॉमिक्स चरित्र पर आधारित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए तैयार थी वानर ब्रदर्स संभावित सीक्वल के विकास और लेखन की देखरेख के लिए वान के साथ बातचीत कर रहे थे निर्देशक के रूप में वापसी डेडलाइन हॉलीवुड के जोह बाउचर ने कहा कि वह वा, वान अपनी पिछली फिल्मों इंसीडियन 2010 और द कॉन्ज्यूरिंग 2013 के सीक्वल को लेकर बहुत सुरक्षात्मक थे और उन्होंने एक्वामैन के विश्व निर्माण में गहरा निवेश किया था वान ने पहले एक्वामैन की दूसरी दुनिया की तुलना अन्य काल्पनिक दुनियाओं जैसे मध्य पृथ्वी स्टार वार्स आकाशगंगा और विजार्डिंग वर्ल्ड से की थी फरवरी 2019 की शुरुआत में वार्नर ब्रदर्स ने द ट्रे ट्रेंच नामक एक्वामैन स्पिन ऑफ फिल्म की पटकथा लिखने के लिए नोआ गार्डन और एडन फीट गेराल्ड को काम पर रखा जो पहली फिल्म में पेश किए गए राज्यों में से एक पर आधारित थी उम्मीद थी कि इसका बजट छोटा होगा और इसमें एक्वामैन के मुख्य कलाकार शामिल नहीं होंगे जबकि वान और सफरान इसका निर्माण कर रहे होंगे द हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस कीट ने तब रिपोर्ट दी थी कि स्टूडियो वान और मोमोआ के बीच एक्वामैनस के सीधे सीक्वल के बारे में अभी तक गंभीर चर्चा नहीं हुई थी क्योंकि वे पहले शौच लेना चाहते थे लेकिन कई दिनों बाद उन्होंने बताया कि पहली फिल्म के लेखन और अक्सर वान सहयोग डेविड लेस्ली धारा पटकथा लेखने के लिए हस्ताक्षर करने के साथ अगली कड़ी पर सक्रिय विकास चल रहा था वान और शफरान सीक्वल का निर्माण कर रहे थे हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि वान इसका निर्देशन करेंगे या नहीं फरवरी के अंत में वार्नर ब्रदर्स ने एक्वामैन 2 को 16 दिसंबर 2022 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया अगले महीने शफरान ने बताया कि वह वा और वान सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और वार्नर ब्रदर्स ने ऐसा किया था इसका समर्थन करते हुए यही वजह है कि फिल्म के रिलीज पहली फिल्म के चार साल बाद निर्धारित की गई थी उन्होंने कहा कि वे एक्वामैन फ्रेंचाइजी को कंज्यूरिंग यूनिवर्स की तरह ही देख रहे थे जिसमें द ट्रेंच जैसे स्पिन ऑफ में एक्वामैन अभिनीत मदरशिप फिल्मों के साथ साथ पानी के नीचे के राज्यों के बारे में कहानियों की खोज की गई थी सफरन ने कहा कि वन सात राज्यों में से प्रत्येक की वास्तुकला शस्त्रगार सेना रूप अनुभव सामान्य माहौल को जान, जानता था और भविष्य की परियोजनाओं में उन सभी का पता लगाना चाहता था वान और विल्सन ने अगस्त 2020 में वर्चुअल डीसी फैंडोम इवेंट में एक पैनल में फिल्म की योजना को छेड़ा एक साल बाद डीसी फैंडोम 2021 में अवधारणा कला और फिल्मांकन से पर्दे के पीछे के फुटेज सामने आए फरवरी 2022 में फिल्म का पहला फुटेज वार्नर ब्रदर्स के टीजर के हिस्से के रूप में जारी किया गया था डीसी फिल्मों की 2022 हज़ार बाईस जिसमें द बैटमैन ब्लैक एडम और द फ्लैश भी शामिल है एक्वामैन और द लॉस्ट किंगडम और द फ्लैश से पहले अगले महीने 2023 तक विलंबित हो गए थे वान ने वार्न ब्रदर्स में फिल्म का प्रचार किया अप्रैल 2022 में सिनेमा कॉन पैनल के रिकॉर्ड किए गए संदेश के साथ साथ फिल्म के कुछ संक्षिप्त फुटेज दिखा रहा है जब अगस्त में इसकी रिलीज की तारीख में देरी हुई तो उन्होंने फिल्म के लिए और अधिक अवधारणा कला का खुलासा किया पहला ट्रेलर वार्न ब्रदर्स के दौरान प्रदर्शित किया गया था अप्रैल 2023 में सिनेमा कॉन पैनल अन्य फुटेज के बीच और, थार्थ और, थार्थ और आर्म के बीच ब्रोमांस दिखा रहा है कोलाइडर के स्टीव वेन्ट्रॉब ने कहा कि फुटेज बड़े पैमाने पर दिखा रहा है और इसमें कई एक्शन दृश्य दिखाए गए हैं नाटकीय ट्रेलर 14 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था <coughs> आइडल व्यूज सेफ हाउस ने वार्नल पिक्चर्स के सहयोग से एक, एक वाट परपेचुअल कैलेंडर डिजिटल डेट मंथ डाइविंग घड़ी जारी की जो अब्दुल मतीन धारा पहली, की पहली गई घड़ियों से प्रेरित है रूपॉट ग्रेगसन विलियम्स ने अगस्त 2021 में खुलासा किया कि वह पहली फिल्म और डीसी की वंडर वुमन 2017 के लिए ऐसा करने के बाद अगली कड़ी के लिए स्कोर बनाने के लिए लौट रहे थे गाना डीप एंड एक्शन इवेंडर धारा प्रस्तुत किया गया था और 17 नवंबर 2023 को एकल के रूप में जारी किया गया था ग्रेगसन विलियम्स के स्कोर के लिए साउंड ट्रैक एल्बम 22 दिसंबर को अकुआमैन एंड द लॉस्ट किंगडम दो के की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो डीसी चरित्र अकुमैन पर आधारित है डीसी स्टूडियोज एंटामिक मास्टर्स और सफरॉन कंपनी द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित यह एक्वामैन 2018 दो की अगली कड़ी है और डी यूनिवर्स में पंद्रहवीं फिल्म और अंतिम किस्त है फिल्म का निर्देशन डेविड लेस्ट्री जॉनसन गोल्डरिन की पटकथा से जेम्स वान ने किया था और जेसन मोमो ने आर्थर करी एक्वामैन की भूमिका निभाई थी साथ में पैट्रिक विल्सन एम्बर हार्ड या अब्दुल मतीन रॉडिल पार्क डॉल्फ लूट टेमुएरा मारिसन मार्टिन थे फिल्म में आर्थर को अपने सौतेले भाई आम विल्सन के साथ मिलकर ब्लैक मंटा को अपने परिवार को मारने से रोकने और समुद्र को के खोए हुए सातवें साम्राज्य की खोज करते समय दुनिया को गर्म करने के लिए शापित ब्लैक ट्राइडेंट का उपयोग करने से रोकने के लिए काम करना होगा मोमोआ ने पहले फिल्म के निर्माण के दौरान एक्वामैन सीक्वल के लिए एक कहानी पेश की वन सीक्वल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे लेकिन जनवरी 2019 में विकास की देखरेख के लिए सहमत हुए जॉनसन मैगोल्ड्रीन ने एक महीने बाद पटकथा लेखन के लिए रूप में वापसी के लिए हस्ताक्षर किए और वान के अगस्त 2020 में निर्देशक के रूप में लौटने की पुष्टि की गई उन्होंने कहा कि फिल्म एक्वामैन के विश्व निर्माण पर विस्तार करेगी और जून 2021 में अगली कड़ी के शीर्षक की घोषणा की फिल्मांकन शुरू हुआ महीने के अंत में और जनवरी के 2022 में यूनाइटेड किंगडम हवाई लॉन्स एंजिल लॉस एंजिल्स और जर्सी में न्यूजीलैंड में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ समाप्त हुआ 205 से 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच उत्पादन बजट के साथ यह अब तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक है अकुआ मैन एंड द लॉस्ट किंगडम का प्रीमियर 19 दिसंबर 2023 को ग्रो लॉस एंजलिस में एक प्रशंसक कार्यक्रम में हुआ और 22 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में तीन मिलियन डॉलर की कमाई की है अकुआ मैन एंड द लॉस किंगडम का प्रीमियर उन्नीस दिसंबर दो को लॉस एंजलिस के ग्रो एट फार्मर्स मार्केट में एक फैन इवेंट स्क्रीनिंग में हुआ द हॉलीवुड रिपोर्टर के कीट ने रेड कारपेट इवेंट और आफ्टर पार्टी नहीं करने के लिए यह नोट किया था, कारपेट फोटोकॉल और छोटे फोटो पैमाने के प्रशंसक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के बाद भाग लिया था लंदन बेजिंग और लॉस एंजलिस फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 दि, दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी अन्य प्रीमियर बड़े प्रारूपों के अलावा आई मैक्स और फोर में इसे मूल रूप से सोलह दिसंबर दो को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन इसे 17 मार्च दो को स्थगित कर दिया गया जब वार्नर ब्रदर्स ने दृश्य प्रभाव विक्रेताओं के कार्यभार पर कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण अपने रिलीज शेड्यूल को समायोजित किया इसके बाद इसे पच्चीस दिसंबर दो तक के ज, जाया गया जब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी मार्केटिंग और वितरण लागत को फैलाने की कोशिश कर रही है थी। 20 को आगे बढ़ने से पहले और फिर इसे दो दिन आगे बढ़ाकर दिसंबर कर दिया गया 7 जनवरी 2024 तक एक्वा मैन एंड द लॉस्ट किंगडम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 100 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में दो मिलियन डॉलर यानी दुनिया भर में कुल तीन मिलियन डॉलर की कमाई की है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक्वैन एंड द लॉस्ट किंगडम को आइग्रेशन माइग्रेशन एनी बर्ट बॉट यू और द वायरल क्लाम के साथ रिलीज किया गया था और इसके चार दिवसीय शुरुआती सप्ताह में लगभग 40 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था फिल्म ने अपने पहले दिन थर्टीन पॉइंट सेवन मिलियन डॉलर कमाए जिसमें गुरुवार रात के पूर्वालोकन से फोर पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर भी शामिल थे इसने सत्ताईस पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का पारंपरिक शुरुआत के सप्ताह हासिल किया जो डी का चौथा सबसे कम और उन फिल्मों में दूसरा सबसे कम